देखिए यहाँ पे, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 900 to 375। यूक्लिड एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए 3375 को 900 से डिवाइड इसको करके HCF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 3375, इसको आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 900 से। यहाँ पर लेंगे 9 3 9 3 27 होगा 2700, ये दोनों को माइनस करेंगे 675 हो गया। फिर इसको आप करेंगे 900 से, 675 वन ज़ा 675, ये माइनस करने से बच जाएगा 225। फिर इसको आप करेंगे 675 से, 675 225 थ्री ज़ा 675, ये होगा ज़ीरो। इस तरह आप लिखना है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 3375 इज इक्वल टू 3375 900 into 3 प्लस 675, 900 इज इक्वल टू 675 into 1 प्लस 225 यहाँ का। फिर उसके बाद यहाँ पर लेंगे 675 इज इक्वल टू 225 into 3 प्लस ए ज़ीरो। HCF क्या होगा, HCF इज ये लास्ट वाला 225। इस तरह आप इसको सॉल्व। चलिए सेकंड, ए सबसेट लिखना है गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए इज इक्वल टू 235, इसका सबसेट पता है आपको। पहले अगर ए वन लिख रहे तो नल सेट लिखेंगे, ए टू लिख रहे सेपरेट करना है, टू अलग हो जाएगा, ए थ्री इज इक्वल टू थ्री अलग हो जाएगा, ए फोर इज इक्वल टू फाइव अलग हो जाएगा, फिर मिला के लिखना है। ए फाइव इज इक्वल टू टू थ्री लिख सकते हैं आप, ए सिक्स इज इक्वल टू टू फाइव लिख सकते हैं, ए सेवन इज इक्वल टू थ्री फाइव लिख सकते हैं, जितने आपके पेयर्स बन रहे उतने पेयर्स आपको लिखना है। ए एट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 235, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखिए चेक वेदर 3/2 एंड -2/3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके अंदर ये 3/2 को सब्स्टिट्यूट करके जीरो हो रहा है, क्या प्रूफ करना है, -2/3 को सब्स्टिट्यूट करके जीरो प्रूफ करना है। तो यहां पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन गिवेन है 6x² -y(x-6), जहां पर भी x है पहले p ऑफ क्या रखेंगे हम 3/2, ये 3/2 6x प्लस में 3/2 स्क्वायर -5x प्लस में 3/2 -6। अब क्या हो जाएगा, ये 6 × 3 = 9/2 4 -5 × 3 = 15/2 -6, 2 × 3 = 6 2 × 4 3 × 9 = 27/2 -15/2 -6/1। एलसीएम 2 ले लेंगे हम तो 27 -2 कैंसिल 15 2 6 = 12। यहाँ पे 27 माइनस ये दोनों को ऐड कीजिए 27/2, ये दोनों को माइनस करने पर क्या हो रहा 0/2 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। एक और वैल्यू गिवन है यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूस है, 3/2 भी यहाँ पे आपके पास, सब्स्टिट्यूट करेंगे पी ऑफ एक्स जाएगा -2/3 इज इक्वल टू 6 -2/3² -5 -2/3 -6, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6 × 2 = 4/3 = 9 -2 - +5 2 = 10/3 -6, ये 3 × 6 3 × 3 = 9 2 × 4 = 8/3 +10/3 -6, यहाँ पर 1 डालेंगे एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 कैंसिल 8 प्लस 3 3 कैंसिल 10 3 6 = 18, ये दोनों को ऐड कीजिए 18 - 18/3 18 - 18 0/3 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए नेक्स्ट फोर्थ देखिए, sec a -12 यहां पर लिखेंगे sec a -12° इज इक्वल टू cosec 42 डिग्री वेर a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, एक्यूट एंगल है तो वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट आपको करना है। अब इसको ऐसे रखिए sec a -12°
इज इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे, कोसेक 90 माइनस 42 डिग्री, या एज इट इज सेक ए माइनस 12 डिग्री इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 48 डिग्री, सेक और सेक कैंसिल, ए माइनस 12 इज इक्वल टू 48 डिग्री, ए इज इक्वल टू 48 डिग्री, इस तरफ ला लीजिए प्लस 12 डिग्री, ए इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कीजिए 60 डिग्री, इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ वन, ए मैन, ए 5 मीटर्स लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ ए फ्लैग स्टाफ आर 60 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, ड्रॉ द सूटेबल, सिर्फ डायग्राम बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह एक स्टाफ फ्लैग लेना है, यहाँ पर आपको एक नाम दे देंगे, इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, यहाँ से एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ से दो एंगल बन रहे, पहला वाला एंगल है, ये दूसरा वाला एंगल है, पहला वाला एंगल 45 डिग्री से, दूसरे वाला एंगल 60 डिग्री से, तो एक 5 मीटर्स गिवन है, एक एच फाइंड आउट करना है, इसको आप ले लेंगे ए बी सी, इसको क्या ले लेंगे डी, यहाँ पर आप इस तरह सूटेबल डायग्राम बता सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज, यहाँ पे सी बी, सी बी, सी बी इज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं आप ये, उसी तरह ए बी इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ए डी या डी ए इज हाइट ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द फ्लैग, एंगल बी ए सी बी डी 45 डिग्रीज, एंगल सी बी ए 60 डिग्रीज, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। सिक्स देखिए, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर 16 डिग्रीज, फाइंड द एंगल, यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके करना है। देखिए टू कॉम्प्लीमेंट, यहां पे क्या दे रखा है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सिक्स वन क्या देना है, लेट द लार्जर एंगल एक एक्स समझेंगे हम, और स्मॉलर एंगल्स को वाई समझेंगे, स्मॉलर एंगल इस क्या समझेंगे इसको हम वाई। अब बाय द प्रॉब्लम अगर ले रहे हैं आप, बाय द प्रॉब्लम, पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको वन देंगे, उसके बाद यहां पे क्या कह रहा है, देखिए द एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 16, एक्सीड्स मतलब क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 16 बढ़ाना है, इस तरह लेंगे, एक्स इधर ला लीजिए माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये नंबर टू, सॉल्विंग वन एंड टू, यहां पर सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सेकेंड वाला है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x इज इक्वल टू ये 106, एक्स इज इक्वल टू 106 बाई 2, 202, 25, 23, एक्स इज इक्वल टू 53, ये आ गया। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन वन में करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, एक्स है 53 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 90, इस तरफ ला लीजिए माइनस 53, वाई इज इक्वल टू माइनस करेंगे 37, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड सेक्शन में देखिए, राइट द फॉर्मूला फाइंड द मीडियन ग्रुप ऑन ग्रुप डॉट ऑफ एक्सप्लेन द टर्म्स, मतलब आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, इसके टर्म्स आपको एक्सप्लेन करना है, सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7, और मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब इसके टर्म्स, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ये होगा लोअर लिमिट, एन इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसीज, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास भी बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मॉडल क्लास भी आप कह सकते हैं, एफ फ्रीक्वेंसी,
एच साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको रेशनल इरेशनल आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर एट वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव इज ए, इसको रेशनल समझेंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में और अजम्पशन इज रॉन्ग बताएंगे। देन क्या होगा, ये टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आपको टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर में ही ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर टू रूट थ्री स्क्वायर माइनस टू ए बी टू रूट थ्री इंटू रूट फाइव, बी स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, स्क्वायर रूट सॉरी ये कैंसिल नहीं, ए टू टू द फोर इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल थ्री माइनस टू टू द फोर थ्री फाइव द फिफ्टीन प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल फाइव इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ए फोर थ्री द ट्वेल्व माइनस फोर रूट फिफ्टीन प्लस फाइव इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे सेवनटीन माइनस फोर रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ए माइनस फोर रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस सेवनटीन, यहाँ पर वन डालेंगे माइनस फोर रूट फिफ्टीन इज इक्वल टू एल सी एम क्यू स्क्वायर ले लेंगे, ये पी स्क्वायर माइनस सेवनटीन क्यू स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करने पर, यहाँ पर रूट फिफ्टीन को सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट फिफ्टीन को सेपरेट करने पर ये पी स्क्वायर माइनस सेवनटीन क्यू स्क्वायर बाय नीचे माइनस फोर क्यू स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्म है ये पी बाई क्यू फॉर्म है, ये जो फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर्म ही नहीं, ये रेशनल है इरेशनल है, ये दोनों रेशनल एंड इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू माइनस सेवनटीन क्यू स्क्वायर बाई माइनस फोर क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखना है टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव इज इरेशनल, इस तरह आप इसको लिखना है। नाइन्थ वाला देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू टेन फोर्टी फाइव माइनस फोर साइन थर्टी प्लस रूट थ्री कॉस थर्टी कॉस सिक्सटी प्लस साइन थर्टी, कॉर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आपको गिवन ले लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर नाइन, टू टेन फोर्टी फाइव डिग्री माइनस फोर साइन थर्टी डिग्री प्लस रूट थ्री कॉस थर्टी डिग्री बाई कॉस सिक्सटी डिग्री प्लस साइन थर्टी डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्रीज, इस तरह आप ले लेंगे। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, टू टेन 45 वन माइनस फोर साइन थर्टी वन बाई टू प्लस रूट थ्री कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू बाई कॉस सिक्सटी वन बाई टू साइन थर्टी वन बाई टू कॉट 45 वन, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। ये टू वन ज़ा टू, ए टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ए माइनस टू प्लस रूट थ्री, ए रूट थ्री बाई टू एज इट इज, यहाँ पर वन डालेंगे एल सी एम टू, टू टू कैंसिल वन प्लस वन प्लस टू वन ज़ा टू, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। थ्री थ्री ज़ा नाइन का स्क्वायर रूट थ्री बाई नीचे टू बाई वन टू थ्री फोर बाई टू, ए टू और टू कैंसिल, इसका आंसर थ्री बाई फोर, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से 30 डिग्रीज एंगल कर रहा और डिप्रेशन में, और इसका फुट 45, हाइट ऑफ द बिल्डिंग 6 मीटर्स, देन फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इसका फाइंड आउट करना है, एक है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको लेना है एक बिल्डिंग का, इस तरह एक बिल्डिंग ले लेंगे हम, एक बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे तो 30 डिग्री एंगल कर रहा, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे तो 45 डिग्री एंगल कर रहा, और इसका नाम दे देंगे ए,
बी सी डी इसको दे देंगे ई। अब आपको फाइंड आउट करना है ये 6 मीटर्स है, ये पता नहीं है एक्स, ये पूरी हाइट है और ये भी क्या है 6 है, ये आपको पता नहीं, ये भी डी। अब यहाँ पर आप लेंगे ए बी ए बी ए ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग ये। और बी डी यहाँ से देखिए ये बी डी फुट लेवल है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं। और उसके बाद सी डी, ये सी डी क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। ई यहाँ पे लिखेंगे ई ऑन सी डी सच दैट, ये ले लेंगे। उसके बाद डी ई और ये डी ई और ए बी, ये दोनों 6 है, ये डी ई ए बी दोनों 6 सेंटीमीटर। और सी पता नहीं, उसको हम क्या ले लिए यहाँ पे एक्स ले लिए, सी को हम क्या लिए एक्स। यहाँ पर इन एंगल ए ई सी पहले वाला ले लेंगे तो कितने डिग्रीज है, ए ई सी 30 डिग्रीज है। और उसी तरह एंगल अभी एक आपके पास आएगा यहाँ पर ए ई सी 30, उसके बाद ए डी ई 45 डिग्रीज, ए डी ई 45 डिग्रीज। सब tan 30 ले रहे तो tan 30 इज इक्वल टू यहाँ से अगर ले लेंगे एक्स बाई डी होगा, ये एक्स बाई tan 30 एक अपोजिट साइड एक्स बाई नीचे डी, ये भी डी होगा, ये एक्स बाई डी, ठीक है। ये tan 30 की वाली 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें डी इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, इसको क्या देंगे नंबर 1। tan 6 tan 45 ले रहे तो ये पे 6/d हो गए, ये tan 45 इज इक्वल टू 6/d, tan 45 1 इज इक्वल टू 6/d, डी वन जो डी इज इक्वल टू 6। देखिए d की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर आपको यहाँ ले लेना है d इज इक्वल टू सब्सटीट्यूटिंग इन 1 है d इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, ठीक है, डी इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 6/√3, 6/√3। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6/√3, रूट थ्री को रेशनलाइज हम करेंगे या इसी तरह रखेंगे, यहाँ पर इसी तरह रखेंगे इसको। यहाँ पर देखिए ये हाइट फाइंड आउट करना है, हाइट में दो वैल्यूज हैं आप, x प्लस 6 यहाँ पर लिख सकते हैं आप, h इज इक्वल टू x प्लस 6 इस तरह लिख सकते हैं आप, h इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ पर 6/√3 प्लस 6 लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू 6 कॉमन लिए तो 1/√3 प्लस ए 1, इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिवाइड करना है, देखिए 6x³ को इससे आपको डिवाइड करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। 6x³ माइनस 7x² माइनस 16x प्लस 12, इसको आपको डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से। इसके लिए एक रफ वर्क मैंने बताया था, वही करना है। पहला ये डिवाइडेड बाई ये 6x³ डिवाइडेड बाई 2x, 2 1 2 3 x² बच जाएगा 3x², यहाँ पर आपको लिखना है 3x² लिख के इसे मल्टीप्लाई करना है 3x² इंटू 2x प्लस 3, 3 2 6x³, 3 3 9x², ये 6x³ प्लस 9x², यहाँ पर माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 16x², ये माइनस 16x यहाँ से ले लेंगे, ये सेकंड बिट 16x² माइनस बाई नीचे 2x, 2 1 2 2 8 x माइनस 8x बच गया, यहाँ पर लिखना है माइनस 8x, माइनस 8x है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2x प्लस 3 को, 8 × 16x² माइनस 8 3 24x, माइनस 16x² माइनस 24x, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस कीजिए 8x हो जाएगा, यहाँ से प्लस ये 12, ये थर्ड स्टेप 8x/2x, xx कैंसिल, 2 1 2 4 4, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 4, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 2x प्लस 3, 4 2 8x, 4 3 12, यहाँ पर 8x प्लस 12, ये दोनों माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0।
चलिए सेक्शन थर्ड का, ये तो पता है मीन फाइंड आउट करना है इस वाले को, इसके फाइव बॉक्सेस लेंगे हम थर्ड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे, पहले वाला बॉक्स क्लॉस इंटरवल, दूसरा वाला बॉक्स उन्हें दे रखा है फैमिलीज दे रखा है, ये लिख लीजिए आप, तीसरा मिड वैल्यू ऑफ एक्स, चौथा यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, पांचवा सिग्मा एफ वाई यू आई। ये फाइव बॉक्सेस आपको पहले से ही पता है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर के जो वैल्यू से यहाँ पर आपको लिखना है क्या गिवन है, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350, 350, 400, 400, 450, 450, 500। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है, अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना है 15, 19, 32, 55, 29, 26, 24। ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके हाफ करने पर 175, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 225, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 275, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 325, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 375, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 425, फिर ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 475। अब सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर देखिए 55, इसको एक लाइन मारेंगे, लाइन मार के इसको ए दे देंगे, ये जीरो, ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, वन टू थ्री, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 15 थ्री ज़ा 45, 19 टू ज़ा 38, 32 वन ज़ा 32, 32 वन ज़ा 32, 55 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 29 वन ज़ा 29, 26 टू ज़ा 52, 24 थ्री ज़ा 3, 4 ज़ा 12, 3 टू ज़ा 6, 72। ये पूरों को ऐड कीजिए 29, तो प्लस 153 हो जाएगा, ये लोगों को ऐड कीजिए, ये 15 कैरी 1, 7 11 माइनस 11, एक बार चेक कर लीजिए करेक्ट है क्या, 10 15 कैरी 1, 7 8 9 10 11, ठीक है। अब क्या करना है, 153 में से 115 को माइनस करना है, 13 में से अगर 5 आप माइनस करेंगे तो 8, 4 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 28, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ए पूरों को ऐड करेंगे 200, यहाँ पर लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 325, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 200, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 28, एच इज इक्वल टू 50। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मीन इज इक्वल टू फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इन टू एच। चलिए ए आपके पास पता है 325, सिग्मा एफ आई यू आई भी पता है 28, बाई सिग्मा एफ आई भी पता है 200, इन टू एच भी पता है 50, 51 ज़ा 54 ज़ा, ठीक है, 41 ज़ा 47 ज़ा, 325 प्लस 7, 325 प्लस 7 ऐड कीजिए, 12 कैरी 1, 3, 3, 332 इसका आंसर। 14th वाला देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स बाय फैक्टर ऑफ 36, 36 के फैक्टर्स लिखना है ए के वैल्यूज, क्या कहेंगे 36 के फैक्टर्स, यहाँ पे रफली करेंगे 136 जा 36 हो जाएगा, 218 जा 36 हो जाएगा, 312 जा 36 हो जाएगा, 49 जा 36, जो जो टेबल में आता पूरा 36, 66 जा 36, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे, तो यहाँ पर आप ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 लिख सकते हैं, ये वैल्यूज हो गए। बी इज इक्वल टू 6 लेस देन 6 से, मतलब 6 या 6 के बराबर आप ले सकते हैं होल नंबर्स पूरे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह पूरे हम ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले ए यूनियन बी मतलब ये पूरे हमको लाइन से लिखना है, ये पूरे आ जाएंगे ए यूनियन बी में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो नहीं है, 6, 9, 12, 18, 36 ये पूरे आ जाएंगे,
ये पूरे आगे, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है, 1 है 3 है 4 है 6 है। ए माइनस बी मतलब दोनों में जो कॉमन है कट करके जो बचे सो लिखना है। ए माइनस बी ये दोनों में जो कॉमन है वो कट कर देना। रिमेनिंग क्या बच रहे हमारे पास, 9 बच रहे 12 बच रहे 18 बच रहे 36 बच रहे। और बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नल सेट आप लिख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ये वेन डायग्राम है ए बी, ये 1 2 3 4 6 इसमें ले सकते हैं, इसमें 0, और यहाँ पर ले सकते हैं 36 18 12 9। इस तरह इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका ग्राफ इस तरह ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स ले लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे x, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, लास्ट में y, 0 1 2 3 -1 -2 -3। इस तरह आप ले सकते हैं, इससे बढ़कर भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी जितनी है आप चाहे ले सकते हैं। ये तो 0 1 1 1 2 4 3 9 1 1 1 2 4 3 9, 2 0 0 2 1 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6। ये -3 एज इट इज, ये -3 -3 -3। अब देखिए ये पूरों का ऐड कीजिए, -3 3 और 1 3 0 3 -3 0, 4 4 8 8 -3 5, ये दोनों 15 -3 12, ये 5 5 -5 + 1 -4, ये दोनों कैंसिल -3, फिर ये दोनों कितने, 9 9 -9 0। ये दो वैल्यूज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसके फैक्टर्स 3x² 3 1 3, ये -3 हो जाएंगे, ये +2 -3 -1, क्योंकि 3 में से अगर 1 निकाले तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पर x + 3 और x - 1, x = -3 x = +1, ये फैक्टर्स आपके बनना चाहिए, x = -3 + 1। आप देखेंगे इसका रफली एक ग्राफ ड्रा करूँगा, देखिए एक रफली, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहाँ पर लूँगा 1 2 3 -1 -2 -3, और यहाँ पर लूँगा 2 4 6 8 10 12 14, यहाँ पर -2 -4 -6 -8 -10 -12। स्केल लिखना भूलना नहीं, स्केल एक्स एक्सिस 1 cm = 1 यूनिट, एक एक के लिए हम लोग, वाई एक्सिस में हम क्या करें 2 2 करके लिए, वाई एक्सिस 1 cm = 2 यूनिट्स। इस तरह भी अब देखिए ये ड्रॉ करेंगे, 0 से -3 -3 मतलब यहाँ पर आ जाओ, 1 से 0 यहीं पर आता है, 2 से 5 ये यहीं पर आ गया है, 2 5, 3 से 12 यहाँ पर आएगा, -1 से -4 -1 से -4 यहाँ पर आएगा, -2 से -3 -2 से -3 यहाँ पर आएगा, -3 से 0 यहाँ पर आएगा। इसका ग्राफ इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पे -3 के पास यहाँ पर 3, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट -3 1, हमको आंसर में भी -3 1 ही आया। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है आपको, एक ट्राइंगल ए है 16, इस तरह ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, यहाँ से एक एक्यूट एंगल लेना है, और यहाँ पर क्या देगा बी सी 5 सेंटीमीटर्स, ये 5 सेंटीमीटर्स इस तरह आएगा ये, और 3/4 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स आपको बनाना है, a1 a2 a3 a4, इस तरह आपको बनाना है, और डिनोमिनेटर 4 है, इसको 4 से इसको कनेक्ट करना है, यहाँ पे एक आर्क मानना है, ये आर्क मार के 3 पे एक आर्क, ये दोनों नाप के यहाँ करके इन दोनों को मिलाना है, उसके यहाँ पे आर्क लेके यहाँ पर आर्क कट करना है, फिर यहाँ पे नाप के इसको कट करके ये दोनों को इस तरह आपको मिलाना है, तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल इस तरह का बन जाएगा।
इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा, ये एक एक्यूट एंगल होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ओन से कुछ भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल बाई गिवन मेजरमेंट, ये लिख सकते हैं। सेकेंड ड्रा एन एक्यूट एंगल ए एक्स। थर्ड लिख सकते हैं ए एक्स इज डिवाइडेड बाई फोर इक्वल पार्ट्स। वो कौन से ए ए वन, ए वन ए टू, ए टू ए थ्री, ए थ्री ए फोर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ड्रा जो फिगर में है लाइन सी बी पैरेलल बी सी, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह ड्रा करेंगे। एक और देखिए, इन ए क्लास देर आर सम बेंचेस एंड सम, एक क्लास में कुछ बेंचेस है, कुछ स्टूडेंट्स है। थ्री स्टूडेंट सिट ऑन द बेंच, अगर थ्री स्टूडेंट एक बेंच पे बैठ रहे तो फोर स्टूडेंट लेफ्ट रहेंगे, और फोर स्टूडेंट्स ईच बेंच पे बैठ रहे तो एक बेंच यहाँ पर लेफ्ट है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर बेंचेस। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 17th यहाँ पर आप लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बेंचेस क्या लेंगे हम एक्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या लेंगे हम लोग वाई। बाय द प्रॉब्लम क्वेश्चन के हिसाब से y इज इक्वल टू 3x प्लस ए वन, इधर ला लीजिए 3x प्लस y इज इक्वल टू वन, इसको क्या देंगे नंबर वन। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू y बाई फोर प्लस ए वन, यहाँ पर वन डालेंगे, x इज इक्वल टू एल सी एम फोर, वन इंटू वाई बाई फोर वन ज़ा फोर, ये फोर इंटू एक्स, फोर एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस फोर, 4x इधर ला लीजिए माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, इसको लेंगे नंबर सेकेंड। सॉल्विंग 192, फर्स्ट है माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, सेकेंड है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये दोनों कैंसिल, एक्स हो गया, ये दोनों 5, इसको सब्सटीट्यूटिंग इन वन में करेंगे 1, 1 माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस 3x प्लस में अभी आया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू वन, माइनस 3 फाइव ज़ा 15 प्लस वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू वन इस तरफ ला लीजिए प्लस 15, वाई इज इक्वल टू 16, ये हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे देर आर 16 स्टूडेंट्स, देर आर 16 स्टूडेंट्स एंड 5 बेंचेस। ये देखिए 5.6 पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.56 पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 100, फाइंड ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके अंदर शो दैट करना है 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन गिवन 5.6 पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.56 पावर ऑफ वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर टेक 5.6 पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100, ये 5.6 पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये पॉइंट हटा देंगे 56 बाई 10 पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे 56 बाई 10 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ ए 2 एक्स, इधर आके 2 बाई एक्स, यहाँ पे 56 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2 बाई एक्स, इधर आया तो इंटू 10 1, ये पावर ऑफ कुछ भी नहीं है तो 1। 56 इज इक्वल टू बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड 2x प्लस 1, इसको क्या देंगे नंबर 1। दूसरे वाला भी यहीं ले लेंगे 0.56 यहाँ पर है, पावर ऑफ y इज इक्वल टू 100, 0.56 पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 56 बाई 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 था, 10 लिए यहाँ पे 100, पावर ऑफ y इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2, 56 बाई 100 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ ए 2, वाई इधर आके 2 बाई वाई, 56 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2 बाई वाई इंटू ए 10 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 10 10 ज़ा 100, 56 इज इक्वल टू 10 पावर ऑफ 2 बाई वाई प्लस ए 2, ये नंबर 2। देखिए 56 बराबर है, तो ये दो इक्वेशन को लेंगे 10 पावर ऑफ 2 बाई एक्स प्लस 1, 10 पावर ऑफ 2 बाई वाई प्लस ए 2,
ये 10 10 कैंसिल, 2 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई वाई प्लस ए 2, 2 बाई एक्स इधर ला लीजिए माइनस 2 बाई वाई, 2 इसको इस तरफ ला लेंगे माइनस 1, 2 कॉमन ले लिए 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस करें 1, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई नीचे 2, देयर फोर हैंस इट इज प्रूफ्ड, इट इज. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन शर्मा. एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए 2023 S7 का पार्ट भी अपलोड कर देता हूं, पार्ट ए भी अपलोड करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर पार्ट बी हमारे लिए अपलोड कीजिए. देखिए यहां पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 123, इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे 128 के, यहां पर आपको देखना है 128 के. 2 6 12 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 12 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, कितने फैक्टर्स आने 7. तो यहां पर होगा सी. यहां पर विच आर द फॉलोइंग सेट बिल्डर फॉर्म, ये 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 1 बाई 5 का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा. यहां पर ये होगा 1 बाई n, यहां पे 5 तक है, n लेस देन आर 5 यहां तक होगा. ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको पता है सम ऑफ द जीरोस होगा माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा c बाई ए, c माइनस 12 है यहां पर, a है यहां पे 6, a है यहां पे 2, 2 1 2 2 6 12, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस a मानी माइनस 6. ये देखिए इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये कंप्लीट है, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट हम बोल सकते हैं. तो इसको हम लिखेंगे डिसजॉइंट सेट बी. द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x प्लस py बाई 8, 10x प्लस 15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसके लिए. तो यहां पर क्या होगा देखिए, ये 5 बाई 10, a1 बाई a2 होगा 5 बाई 10 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आप अपन ले लेंगे, तो यहां पे p बाई 15 होगा, ये होगा आप 10 into p 10 p 15 5 75, p इज इक्वल टू 75 बाई 10, कैंसिल करेंगे तो 2 5 3 या 2 से 5 5 1 5 5 5 25 5 2 10, p इज इक्वल टू 15 बाई 2, तो यहां पर p इज इक्वल टू 15 वाला डी वाला. ये रूट है ये 125 का, ये 125 इसको इस तरह लिखेंगे, यहां पर log रूट 5 125 इज इक्वल टू x है, ये रूट 5 इज इक्वल टू x इधर ला लीजिए 125, रूट 5 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 125 को हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 2 10 5 5 5 5 1 5 पावर ऑफ 3 आ गया. ये रूट 5 पावर ऑफ x इज इक्वल टू इसके ऊपर रूट डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा 6 हो जाएगा, दोनों कैंसिल, x इज इक्वल टू 6, तो यहां पर x इज इक्वल टू 6 क्या होगा, ये 6 होगा. अब देखिए p ऑफ 1 और p ऑफ यहां पे क्या करना है आपको 2, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है p ऑफ 1 p ऑफ 2. ये p ऑफ 1 इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस, दो बार लिख लीजिए इसको, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस माइनस 4x प्लस 5, दो बार इसलिए एक बार जीरो सब्स्टिट्यूट करना है, 0 क्यूब प्लस 3 × 0² माइनस 4 × 0 प्लस 5, फिर एक बार आपको रखना है 1 क्यूब प्लस 3 1² माइनस 4 प्लस माइनस 4 × 1 प्लस 5, ये पूरा कैंसिल होकर 5 बच जाएगा, प्लस 1 1 1 3 1 3 माइनस 4 प्लस 5. देखिए ये पूरों को ऐड कीजिए, 14 माइनस 4 हो जाएगा 10, तो यहां पर इसका 10 आएगा 10, यहां पर आप ले सकते हैं सी. ये सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आपको पता ही है, हम सॉल्व करेंगे. देखिए सम ऑफ द जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 है, इसका फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, x² माइनस इंटू माइनस प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कौन सा होगा इसके अंदर से, इसके अंदर से होगा बी वाला. 16th का सबसेट होगा 4,
4 × 16 ये होगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस के अंदर से कौन से कंसिस्टेंट है आपको पहचानना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। अगर आप सॉल्व करेंगे कंसिस्टेंट के लिए a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2, अगर आप चेक कर लेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा ए वाला। चलिए 11th देखिए, यहां पर फॉलोइंग ये होगा अपोजिट साइड, ये होगा हाइपोटेन्यूज साइड, ये होगा एडजेसेंट साइड। तो टैन सी का ये सी है, सी का अपोजिट ये होगा, सी का अपोजिट ये होगा, और उसी तरह टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या होगा, ए बी होगा, एडजेसेंट साइड होगा बी सी मतलब सी वाला। और 12th वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड कंस्ट्रक्शन लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा यूज करते हैं, अपर बाउंड्री यूज करते हैं। इसके अंदर मोड सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड है आपके पास 5, तो 5 है, 5 5 5 है इस तरह। इफ द सम ऑफ द एल्टीट्यूड 16, हाइट ऑफ द टावर 12 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द शैडो, शैडो की लेंथ डी होगी, ये आपको सॉल्व कर लेना है। शैडो की लेंथ 10 मीटर अवे, इस तरह 10 मीटर अवे, ये मीटर अवे है और इसका हाइट है, तो 45 डिग्री रहा, तो 45 की टेन 45 ले लेंगे तो 1 होगा, टेन 45 की वाली क्या होगी 1 होगी, 1 मतलब 1, अगर 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 वन जा 10 ही होगा, इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम बी। टेन 2a - 13, 2a - 13 का होगा 29 डिग्रीज। ये टर्म ऑफ द सेक कई बार लिख चुके हैं, सेक का टर्म्स आपको लिखना है तो सी वाला। ये 2:3 है 18th वाला, यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू आर ए बी रेशियो पी क्यू 2:3 है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 48, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसका पेरीमीटर होगा 36 डिग्री से आपको लिखना है। यहां पे देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई बाई ई सी दे रखा है और इज इक्वल टू 4/3 एंड ए डी इज इक्वल टू 16, तो क्या होगा ये ए डी बाई बाई द डी बी By the proportional, basic proportionality, AE by AEC होगा। ये given है, AD 16 है और DB पता ही नहीं, DB X ले लेंगे, AE यहाँ पे दे रखा है 4/3, ये 4X होगा, ये 16 × 3 होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = X is equal to 4 × 3 = 12 होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 19th वाले में D। Cumulative frequency में calculation के वास्ते हम use करते median। तो इस तरह था, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए शो दैट द पॉइंट्स a, a, 0, b - a, 0, c, 0, a√3 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बतलाना है, यहां पर मैं लिखूंगा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम ड्रा करते हैं, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये इक्वल ट्राइंगल के इस तरह सिंबल्स डालेंगे तो इक्वल रहेंगे। यहाँ पर है a, 0, ये वाला पॉइंट है -a, 0, ये वाला पॉइंट है 0, a√3। जब तक क्वेश्चन में मिड पॉइंट सेंट्राइड ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तब तक हमको लेना है डिस्टेंस बिटवीन का ही फार्मूला हमको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सॉल्व क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला लेते हुए अंडर रूट x2 - x1² प्लस y2 - y1² ये फार्मूला आप लोग ले लेंगे। अब हम ए बी सॉल्व करेंगे, ए बी इज इक्वल टू x1 - y1 x2 - y2 अंडर रूट x2 - x1, माइनस ए फॉर्मूले का माइनस x1 a² y2 - y1 0 - 0² अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, -(-) + 2a² 0 - 0 = 0² ये क्या हो जाएगा -(-) + 4a² हो जाएगा, 0 तो 0, 4a का स्क्वायर रूट होगा 2a, ये क्या आ गया। अब उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे bc इज इक्वल टू अंडर रूट x1 - y1 x2 - y2 0 - (-) + हो जाएगा 0 + a² y2 - y1 a√3 -0² यहाँ पर क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ये दोनों को माइनस करने पर a√3² होगा, ये होगा a² देखिए ये बाहर है a² होगा,
स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर 3 होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2a। अब ac करेंगे, ac इज इक्वल टू अंडर रूट x1 y1 x2 y2, 0 - a स्क्वायर, 8√3 - 0 स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, माइनस करेंगे तो -a स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे a√3 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर बाहर है ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 3, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट आएगा 2a। देखिए ये साइड तीनों भी बराबर है, इसलिए देयरफॉर ab इज इक्वल टू bc इज इक्वल टू ac, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, शो दैट द पॉइंट्स -4 - 7 - 1 - 2 - 8 - 5 - 4 टेकन इन ऑर्डर वर्टिसेस, रॉम्बस प्रूफ करना है, उसके बाद एरिया ऑफ भी आपको लेना है डायगोनल्स का। दो क्वेश्चन है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवेंथ वाले को, ये रॉम्बस का इस तरह डायग्राम डालेंगे हम, ab cd, ए है -4, -7, बी है -1, -2, सी है 8, 5, डी है 5, -4। चलिए अब इसको हम पहले रॉम्बस प्रूफ कर लेंगे। क्या पहले करेंगे, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले इसके चारों साइड्स लेंगे, उसके बाद डायगोनल्स लेंगे। पहले चारों साइड्स, ए बी इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2, -1 फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर, y2 - y1 2 - (-+) 7 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 9 स्क्वायर, 3 3 9 9 9 81, ये दोनों को ऐड करेंगे 90, एक हो गया। अब उसी तरह ABBC ले लेंगे, BC इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ से x1 y1 x2 y2, 8 - (-+1) 5 - 2 स्क्वायर, 5 - 2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 9 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए 3 स्क्वायर, 9 9 81, 3 3 9, ए भी हो गया 90, ठीक है। अब CD ले लेंगे, x1 y1 x2 y2, यहाँ पे लिखेंगे CD इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर 5 - 8 स्क्वायर - 4 - 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -9 स्क्वायर, -(-+) 3 3 9 9 81, ये दोनों को ऐड करेंगे हम 90, CD भी आ गया 90। अब क्या बचा, AD बचा, यहाँ पर ले लेंगे AD इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर देखिए x1 y1 x2, 5 - (-+) 4 स्क्वायर, -4 - (-+) 7 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 9 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए, ये -4 है, दोनों को माइनस कीजिए 3 स्क्वायर, 9 9 81, 3 3 9 90, ये चारों साइड्स बराबर आ गए, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको रॉम्बस बताने के लिए ये दोनों नॉट इक्वल रहना, अगर इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे AC एंड BD, AC नॉट इक्वल टू BD होना रॉम्बस के लिए। तो AC अगर आप कर रहे तो x1 y1 x2 y2, 8 - (-+) 4 स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे AC इज इक्वल टू +(-7) - (-5) स्क्वायर, ये अंडर रूट x2 - x1, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा -12 स्क्वायर, 12 12 = 144, 12 12 = 144, ये दोनों को ऐड करेंगे 280 हो गया। अब BD करेंगे, BD इज इक्वल टू अंडर रूट 5 - (-+1) 2 स्क्वायर, -4 - 2 स्क्वायर,
ये 5 प्लस 1 6 स्क्वायर, ये भी क्या होगा माइनस 6 स्क्वायर, 6 6 36 6 6 36, ये दोनों को ऐड कीजिए 72, ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इट इज अ रॉम्बस बोलकर आप लिख सकते हैं, इस तरह आप लिखेंगे। और इसके अंदर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रॉम्बस 1/2, ये प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला, एरिया ऑफ रॉम्बस अगर आप लेना है, एरिया ऑफ रॉम्बस, सो फॉर्मूला 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू होगा, ये 1/2 डायगनल 1 288 समझिए, ये डायगनल 2 है रूट 72। चलिए देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड एनी फॉलोइंग पॉइंट गिवन द रीजन यूर आंसर, ये क्वाड्रिलेटरल है आपको प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा डायगनल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एक कराऊंगा मैं, ये सारे आपको कर लेना है, ये यहाँ पर हम ले लेंगे 8 वाला फर्स्ट बिट, ए बी सी डी, या ए बी सी डी कैसे भी आप ले सकते हैं, ए माइनस वन कामा माइनस टू, बी वन कामा ज़ीरो, सी है माइनस वन कामा टू, ए माइनस थ्री कामा ज़ीरो, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ए सी बी डी भी आपको लेना है, फॉर्मूला लेंगे डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। चलिए ए बी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन स्क्वायर, ज़ीरो माइनस इंटू माइनस प्लस टू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, ये क्या होगा रूट 8 यूनिट से, ये होगा एक होगा ए बी। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम, बी सी, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, माइनस वन स्क्वायर, 2 माइनस ज़ीरो स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए माइनस टू स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 2 स्क्वायर, क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये दोनों को ऐड करेंगे 8 यूनिट्स, ये भी आ गया 8 यूनिट्स बी सी भी। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, सी डी, सी डी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, माइनस थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस वन स्क्वायर, ज़ीरो माइनस टू स्क्वायर, ये दोनों को माइनस टू स्क्वायर होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस टू स्क्वायर होगा, ये 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 2 ज़ा 4, ये दोनों को ऐड करेंगे 8 यूनिट्स, ये भी 8 यूनिट्स आ गया, क्योंकि पैरेलल क्वाड्रिलेटर क्या होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो रहेगा वो क्वाड्रिलेटर रहेगा, आपको मालूम करना है। उसके बाद क्या लेंगे, ए डी, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वन एक्स टू टू, माइनस थ्री माइनस प्लस वन, ये यहाँ का माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस वन, ज़ीरो माइनस इंटू माइनस प्लस टू स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस टू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे टू स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये होगा 8 यूनिट्स, ठीक है, पूरे 8 यूनिट्स आ गए। अब ये लेंगे ए सी और बी डी, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वन एक्स टू टू, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस टू माइनस प्लस वन स्क्वायर प्लस टू माइनस टू माइनस प्लस टू स्क्वायर, ये होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे ज़ीरो स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 4 स्क्वायर, ये ज़ीरो हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। अब बी डी लेंगे, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वन एक्स टू वाई टू, माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए माइनस 4 स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी आ रहा, तो क्या हो गया ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जब होगा तो इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल भी आपको लिखना है, क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी मैंने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है एक्सरसाइज 7.1 के। कुछ क्वेश्चंस और आगे हम बढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शो दैट द पॉइंट्स ए ए कामा जीरो, बी माइनस ए कामा जीरो, सी जीरो कामा ए रूट थ्री फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बतलाना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम ड्रा करते हैं। ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इक्वल ट्रायंगल के इस तरह सिंबल्स डालेंगे तो इक्वल रहेंगे। यहाँ पर है ए कामा जीरो, ये वाला पॉइंट है माइनस ए कामा जीरो, ये वाला पॉइंट है जीरो कामा ए रूट थ्री। जब तक क्वेश्चन में मिड पॉइंट सेंट्रॉइड ऐसा कुछ भी नहीं दिया तब तक हमको लेना है डिस्टेंस बिटवीन का ही फार्मूला हमको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सॉल्व क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला लेते हुए अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग ले लेंगे। अब हम ए बी सॉल्व करेंगे। ए बी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस ए फॉर्मूले का माइनस एक्स वन ए स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन जीरो माइनस जीरो स्क्वायर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए स्क्वायर, जीरो माइनस जीरो जीरो स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, जीरो तो जीरो, फोर ए का स्क्वायर रूट होगा टू ए, एक आ गया। अब उसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जीरो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस ए स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन ए रूट थ्री माइनस जीरो स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ये दोनों को माइनस करने पर ए रूट थ्री स्क्वायर होगा, ये होगा ए स्क्वायर। देखिए ये बाहर है, ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल करने पर थ्री होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा टू ए। अब ए सी करेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू टू, जीरो माइनस ए स्क्वायर, ए रूट थ्री माइनस जीरो स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, माइनस करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे ए रूट थ्री स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर बाहर है ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा थ्री, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट आएगा टू ए। देखिए ये साइड तीनों भी बराबर है, इसलिए देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्थ देखिए, सिक्स देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट माइनस सेवन माइनस थ्री फाइव टेन फिफ्टीन एट एंड थ्री माइनस फाइव टेकन इन ऑर्डर एंड कॉर्नर ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के ऑर्डर में आपको लेना है और पैरेललोग्राम पता होना चाहिए आपको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर रहते लेकिन नॉट इक्वल टू रहेंगे। सिक्स वाला इस तरह एक पैरेललोग्राम हम लिए, ए बी सी डी, ए है माइनस सेवन कामा माइनस थ्री, बी है फाइव कामा टेन, सी है फिफ्टीन कामा एट, डी है थ्री कामा माइनस फाइव। अब इसके फोर साइड्स भी आपको मालूम करना है, फोर साइड्स अपोजिट साइड्स आर इसके इक्वल रहेंगे, ये दो इक्वल रहेंगे, ये दो इक्वल रहेंगे, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर रहते लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं रहेंगे। डायगोनल्स अगर इक्वल रहेगा तो रॉम्बस हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूले से आप लेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर,
ये फॉर्मूले से ए बी फाइंड आउट करेंगे पहले. ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. ये फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन स्क्वायर, टेन माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री स्क्वायर. ये दोनों को ऐड करेंगे ट्वेल्व स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे थर्टीन स्क्वायर. ट्वेल्व ट्वेल्व ज़ा वन फोर्टी फोर, थर्टीन थर्टीन ज़ा वन सिक्सटी नाइन, वन सिक्सटी नाइन. ये दोनों को ऐड कीजिए, वन फोर्टी फोर वन सिक्सटी नाइन ऐड करेंगे. थ्री कैरी वन, अलेवन कैरी वन, ए थ्री, थ्री वन थ्री. किसका हो गया आंसर ये? ए बी का. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बी सी लेंगे. बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. फिफ्टीन माइनस फाइव स्क्वायर प्लस एट माइनस टेन स्क्वायर. फिफ्टीन माइनस फाइव स्क्वायर टेन स्क्वायर, एट माइनस टू स्क्वायर, ये टू स्क्वायर हो जाएगा. ये दोनों को ऐड करेंगे, टेन टेन ज़ा हंड्रेड, टू टू ज़ा फोर. ये दोनों को ऐड करेंगे वन नाट फोर. अब नेक्स्ट ए सी डी ले लेंगे. सी डी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. एक्स टू थ्री माइनस फिफ्टीन स्क्वायर प्लस एट माइनस फाइव माइनस एट स्क्वायर. थ्री माइनस फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेल्व स्क्वायर. ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा थर्टीन स्क्वायर. ट्वेल्व ट्वेल्व ज़ा वन फोर्टी फोर, थर्टीन थर्टीन ज़ा वन सिक्सटी नाइन. फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, थ्री वन थ्री आ गया. देखिए ये दोनों साइड्स, ये ए बी सी डी दोनों बराबर है. ए बी और सी डी मतलब ये दोनों साइड्स बराबर है. अब ये दोनों साइड्स के लिए हमको ये वन नाट फोर आ गया यहाँ पर बी सी. अब सी डी क्या, ए डी क्या आएगा देखेंगे. ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर एक्स वन माइनस एक्स टू, थ्री माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन स्क्वायर, माइनस फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री स्क्वायर. इस तरह लेंगे. ये दोनों को ऐड कीजिए टेन स्क्वायर. ये दोनों को माइनस कीजिए टू स्क्वायर. ये टेन टेन ज़ा हंड्रेड, टू टू ज़ा फोर. ये हो गया वन नॉट फोर. ठीक है, इसलिए देयरफॉर ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा. यहाँ पे आप लिखना है पैरेललोग्राम. अगर आप चाहें तो डायगोनल्स भी कर सकते हैं. चलिए देखिए, शो दैट द पॉइंट्स माइनस फोर माइनस सेवन माइनस वन टू एट फाइव फाइव माइनस फोर टेकन इन ऑर्डर एंड वर्टिसेस. रॉम्बस प्रूफ करना है, उसके बाद एरिया ऑफ भी आपको लेना है डायगोनल्स का. दो क्वेश्चन है इसके अंदर. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवेंथ वाले को, ये रॉम्बस का इस तरह डायग्राम डालेंगे हम. ए बी सी डी. ए है माइनस फोर कामा माइनस सेवन, बी है माइनस वन कामा टू, सी है एट कामा फाइव, डी है फाइव कामा माइनस फोर. चलिए अब इसको हम पहले रॉम्बस प्रूफ कर लेंगे. क्या पहले करेंगे, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. पहले इसके चारों साइड्स लेंगे, उसके बाद डायगोनल्स लेंगे. पहले चारों साइड्स, ए बी इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू वाई टू. माइनस वन फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर स्क्वायर. वाई टू माइनस वाई वन टू माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन स्क्वायर. ये दोनों को माइनस करेंगे थ्री स्क्वायर. ये दोनों को ऐड करेंगे नाइन स्क्वायर. थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन नाइन ज़ा एटी वन. ये दोनों को ऐड करेंगे नाइन्टी एक हो गया. अब उसी तरह ए बी बी सी ले लेंगे. बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ से एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. एट माइनस इंटू माइनस प्लस वन स्क्वायर, फाइव माइनस टू स्क्वायर. ये दोनों को ऐड कीजिए नाइन स्क्वायर. ये दोनों को माइनस कीजिए थ्री स्क्वायर. नाइन नाइन ज़ा एटी वन, थ्री थ्री ज़ा नाइन. ए भी हो गया नाइन्टी. ठीक है, अब सी डी ले लेंगे. एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू. यहाँ पर लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पर फाइव माइनस एट स्क्वायर माइनस फोर माइनस फाइव स्क्वायर. ये दोनों को माइनस करेंगे थ्री स्क्वायर. ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस नाइन स्क्वायर. माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन नाइन ज़ा एटी वन. ये दोनों को ऐड करेंगे हम नाइन्टी. सी डी भी आ गया नाइन्टी. अब क्या बचा, ए डी बचा. यहाँ पर ले लेंगे ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट. यहाँ पर देखिए
एक्स वन वाई एक्स टू, फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस फोर स्क्वायर, माइनस फोर माइनस इंटू माइनस प्लस सेवन स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए नाइन स्क्वायर, ये दोनों को माइनस कीजिए, ये माइनस फोर है, दोनों को माइनस कीजिए थ्री स्क्वायर, नाइन नाइन ज़ा एटी वन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, ये नाइन्टी, ये चारों साइड्स बराबर आ गए, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको रॉम्बस बताने के लिए ये दोनों नॉट इक्वल रहना, अगर इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे ए सी एंड बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होना रॉम्बस के लिए। तो ए सी अगर आप कर रहे तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एट माइनस टू माइनस प्लस फोर स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे ए डी ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस सेवन माइनस फाइव स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा ट्वेल्व स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व स्क्वायर, ट्वेल्व ट्वेल्व ज़ा वन फोर्टी फोर, ट्वेल्व ट्वेल्व ज़ा वन फोर्टी फोर, ये दोनों को ऐड करेंगे टू हंड्रेड एटी एटी हो गया। अब बी डी करेंगे, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस वन स्क्वायर, माइनस फोर माइनस टू स्क्वायर, ये फाइव प्लस वन सिक्स स्क्वायर, ये भी क्या होगा माइनस सिक्स स्क्वायर, सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स, सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स, ये दोनों को ऐड कीजिए सेवेंटी टू। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इट इज़ अ रॉम्बस, बोलकर आप लिख सकते हैं, इस तरह आप लिखेंगे। और इसके अंदर क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रॉम्बस वन बाई टू, ये प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला, एरिया ऑफ रॉम्बस अगर आप लेना है, एरिया ऑफ रॉम्बस, सो फॉर्मूला वन बाई टू इंटू डी वन इंटू डी टू होगा, ये वन बाई टू डायगनल वन टू एटी एट समझिए, ये डायगनल टू है रूट सेवेंटी टू। चलिए देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड एनी फॉलोइंग पॉइंट गिवन द रीजन यूर आंसर, ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, डायगनल्स भी इक्वल होंगे। तो ये एक कराऊंगा मैं, ये सारे आपको कर लेना है। ये यहाँ पर हम ले लेंगे एट वाला फर्स्ट बिट, ए बी सी डी, या ए बी सी डी कैसे भी आप ले सकते हैं, ए माइनस वन कामा माइनस टू, बी वन कामा ज़ीरो, सी है माइनस वन कामा टू, ए माइनस थ्री कामा ज़ीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ए सी बी डी भी आपको लेना है। फॉर्मूला लेंगे डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। चलिए, ए बी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, वन माइनस इंटू माइनस प्लस वन स्क्वायर, ज़ीरो माइनस इंटू माइनस प्लस टू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए टू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए टू स्क्वायर, टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, ये क्या होगा रूट एट यूनिट से, ये होगा एक होगा ए बी। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम, बी सी, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, माइनस वन स्क्वायर, टू माइनस ज़ीरो स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए माइनस टू स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे टू स्क्वायर, क्या होगा टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, ये दोनों को ऐड करेंगे एट यूनिट्स, ये भी आ गया एट यूनिट्स बी सी भी। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, सी डी, सी डी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, माइनस थ्री माइनस टू माइनस प्लस वन स्क्वायर, ज़ीरो माइनस टू स्क्वायर, ये दोनों को माइनस टू स्क्वायर होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस टू स्क्वायर होगा, ये टू टू ज़ा फोर, ये भी टू टू ज़ा फोर, ये दोनों को ऐड करेंगे एट यूनिट्स, ये भी एट यूनिट्स आ गया, क्योंकि पैरेलल क्वाड्रिलेटर क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर जो रहेगा वो क्वाड्रिलेटर रहेगा, आपको मालूम करना है। उसके बाद क्या लेंगे, ए डी, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, माइनस थ्री माइनस प्लस वन, ये
यहाँ का माइनस और फॉर्मूले का माइनस प्लस वन, जीरो माइनस इंटू माइनस प्लस टू स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे माइनस टू स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे टू स्क्वायर, ये टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, ये होगा एट यूनिट्स, ठीक है, पूरे एट यूनिट्स आ गए। अब ये लेंगे ए सी और बी डी, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वन एक्स टू बाई टू, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन माइनस नो माइनस प्लस वन स्क्वायर, प्लस टू माइनस नो माइनस प्लस टू स्क्वायर, ये होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे जीरो स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे फोर स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, इज इक्वल टू सिक्सटीन हो जाएगा, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होगा फोर। अब बी डी लेंगे, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वन वन एक्स टू बाई टू, माइनस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कीजिए माइनस फोर स्क्वायर, ये जीरो स्क्वायर, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा फोर फोर ज़ा सिक्सटीन इज इक्वल टू फोर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी आ रहा, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर जब होगा तो इट इज़ ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल भी आपको लिखना है, क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ऑल द बेस्ट फॉर डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। देखिए 9, 10, 11 हम सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ ये 12th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसलिए मैं पहले आपको ये सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए सबसे पहले 9th वाला क्वेश्चन हम करेंगे, फाइंड द पॉइंट्स एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस। देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स कामा जीरो होगा हमेशा, वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो कामा वाई, तो ये पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक को ए ले लेंगे और एक को ले लेंगे हम बी, ये दो पॉइंट्स गिवन हैं, टू कामा माइनस फाइव गिवन है और माइनस टू कामा नाइन, माइनस टू कामा नाइन ये गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, फाइंड आउट करना है आपको एक्स की वैल्यू, फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी आपको लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, यही फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर आप एक्स ए कर रहे हैं तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स बी कर रहे हैं तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जस्ट आप सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, एक्स टू माइनस एक्स वन टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन माइनस फाइव माइनस जीरो स्क्वायर, ये अंडर रूट इज इक्वल टू, ये भी अंडर रूट, एक्स टू माइनस माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, टू प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह लेंगे इसको, प्लस वाई टू माइनस वाई वन नाइन माइनस जीरो स्क्वायर, इस तरह आप इसको लेंगे। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, दोनों को मिलाकर ए प्लस आर बी माइनस होल स्क्वायर आप ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा टू स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस टू ए बी हो जाएगा टू इंटू एक्स, ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस फाइव स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा नाइन स्क्वायर, इस तरह आप इसको लेना है। अब यहाँ पर हो जाएगा टू टू ज़ा फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस इन माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू, यहाँ पर भी टू टू ज़ा फोर, ए टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर नाइन नाइन ज़ा एटी वन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो किस तरह लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये फोर और ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ट्वेंटी नाइन इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फोर और एटी वन होगा एटी फाइव। अब आगे नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता है, रूट कैंसिल होना है, तो इसके लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना ज़रूरी है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एटी फाइव, ऊपर क्या ले सकते हैं होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन यहाँ पर बच गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एटी फाइव यहाँ पर आपको बच जाएगा,
ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ पे, माइनस फोर एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू प्लस फोर एक्स प्लस 85। ये माइनस फोर एक्स है, इसको इस तरफ ला लेंगे माइनस फोर एक्स, 85 इसको इस तरफ ला लेंगे माइनस 29। ये दोनों को ऐड कीजिए 8x, ये दोनों को माइनस कीजिए 56। एक्स इज इक्वल टू 56 बाई 8, 8 वन ज़ा 8 सेवन ज़ा, एक्स इज इक्वल टू आंसर हो गया माइनस 7। देयरफॉर एक्स कामा अगर आप 0 ले रहे हैं तो वैल्यू माइनस 7 कामा क्या हो जाएगी, 0। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स कामा 7 वन कामा माइनस 15 डिस्टेंस, मतलब यहां पर आंसर दे रखा है हमको डिस्टेंस बिटवीन का आंसर होगा 10। आंसर को हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको फाइंड आउट करना है एक्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 10th एंड 11th दोनों एज इट इज है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम ले लेंगे। 11th 10th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह हम लाइन लेंगे ए, एक को बी ले लेंगे, एक्स कामा 7 दूसरे को लेंगे 1 कामा 15, और ए बी इज इक्वल टू गिवन है 10, ये गिवन है। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप जस्ट डिस्टेंस बिटवीन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, एक्स टू माइनस एक्स वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन फिफ्टीन माइनस सेवन स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन में है 10। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस, ये दोनों को माइनस कीजिए 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स टू एक्स प्लस 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 65 इज इक्वल टू 10। आगे बढ़ने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 65 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 65 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए इज इक्वल टू 10 टेन ज़ा 100। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 65 इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये दोनों को अगर माइनस करेंगे हम तो 35 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालना है, 35 एक्स स्क्वायर कौन से टेबल में आएगा, 7 5 35 ले सकते हैं, इसको माइनस इसको प्लस ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये दोनों ले सकते हैं आप, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, ये दो आपके वैल्यूज है। चलिए यहाँ पर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज इट इज 10th वाले की तरह है, जबकि P एंड Q यहाँ पर हम A B के बजाय P Q लेना है वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 11th, ये P Q, P की वैल्यू है 2 कामा माइनस 3, Q की वैल्यू है 10 कामा वाई, और P Q इज इक्वल टू 10 है, P Q इज इक्वल टू 10 इस तरह हम लिख लिए P Q। अब देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू y2 टू सब्स्टिट्यूट करना है डिस्टेंस बिटवीन के फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कीजिए अंडर रूट एक्स टू माइनस 10 माइनस टू स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन वाई माइनस टू माइनस प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्वेश्चन के अंदर आंसर है 10। यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे 8 स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2y इंटू 3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर 8 8 ज़ा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 ay इज इक्वल टू 10 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा, 73 इज इक्वल टू 10।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 73 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 73 इज इक्वल टू 10 टेन जा 100, वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस 73 इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 100 इज इक्वल टू 0, ये वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई ये दोनों को माइनस करेंगे तो 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 27 के फैक्टर्स निकालेंगे, 27 वाई स्क्वायर 9 थ्री जा 27 होगा, ये प्लस ये माइनस 9 में से 3 निकालेंगे तो 6 भी होगा, तो ये दोनों ले सकते हैं वाई प्लस 9 वाई माइनस 3 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वाई इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 9, ये वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 3 इस तरह आप इसको ले सकते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट माइनस 1, 7 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2। यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम ले लेंगे पी क्यू, यहाँ से एक लाइन डिवाइड कर रही है इस तरह की, ये होगा 2:3। ये दो पॉइंट्स हैं -1, 7 एक पॉइंट है 4, -3। अब इसके लिए हम फार्मूला पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 + m2x1 ये फार्मूला लेंगे, क्योंकि लाइन डिवाइडिंग लाइन का यही फार्मूला है m1 + m2, और उसी तरह यहाँ पे m1y2 + m2y1 / m1 + m2 इस तरह हम ले लेंगे। यहाँ पर नेम्स देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए x1y1 x2y2 m1 m2, ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर m1 हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा 4, m2 हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा 1, m1 + m2 2 + 3, m1 हो जाएगा 2, y2 यहाँ से -3 + m2 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 7, m1 + m2 2 + 3 इस तरह हम ले लेंगे। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 = 8, 3 1 = 3, बाय नीचे दोनों को ऐड कीजिए 5, 2 3 = 6, 3 7 = 21, ये दोनों को ऐड कीजिए 5। यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे 5 by 5, ये दोनों को माइनस करेंगे 15 by 5, अगर कैंसिल हो रहे तो करना ही, अन्यथा नहीं। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 1, 3 इसका आंसर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन आपको पता है 1:2 या 2:1 होगा, ये आपको लेना है ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट के जॉइनिंग के पॉइंट्स। यहां पर आपको लेने हैं ए बी 4, -1, -2, -3, मतलब इसको दो बार करना है, पहले 1:2 लेना है, उसके बाद 2:1 लेके दो बार लेके आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपको लेना है 1:2, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, x1 y1 x2 y2, इस तरह नेम्स देवर। ये दोबारा ये फार्मूला आपको सब्स्टिट्यूट करना है, p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ये फार्मूला आपको लेना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, m1 है आपके पास 1, x2 है -2 प्लस m2 है 2, x1 है 4, m1 + m2 1 + 2, उसी तरह m1 लेंगे 1, y2 - 3, m2 2, y1 लेंगे -1, बाय नीचे m1 + m2 1 + 2 इस तरह आप इसको सब्स्टिट्यूट किए। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 = 2, 2 4 = 8 बाय 3, 1 3 = 3, 2 1 = 2 बाय 3, ये दोनों को माइनस कीजिए 6 बाय 3, ये दोनों को ऐड कीजिए 5 बाय 3, यहाँ पर कैंसिल हो रहा 3 1 = 3 2 2 - 5 बाय 3, ये किसका आंसर है, ये 1:2 का। फिर एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको लिखना है, यहाँ पर लेना है ए बी 4, -1
माइनस टू कामा माइनस थ्री लेकर यहाँ पर 2:1 लिखना है आपको, ए एम वन एम टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, दोबारा यही फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर रख रहा हूँ, देखिए m1 आपको लेना है 2, x2 लेना है माइनस टू प्लस m2 1, x1 4 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 1, उसी तरह m1 2, उसी तरह y2 माइनस 3 प्लस m2 यहाँ से 1, y1 माइनस 1 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस ए 1, इस तरह आप इसको लेना है। 2 टू ज़ा माइनस 4, 1 4 ज़ा 4 बाई 3, 2 3 ज़ा 6, माइनस 1 1 ज़ा 1 बाई 3, ये दोनों को माइनस कीजिए 0 बाई 3, ये दोनों को ऐड कीजिए 7 बाई 3, 0 बाई 3 0 हो जाएगा, ये माइनस 7 बाई 3, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है आपको, जबकि यहाँ पर दो पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर इस तरह आप ले सकते हैं ए बी माइनस 3, 10, 6, -8, और ये दो डिवाइडिंग पॉइंट्स है एम वन एम टू, और हेल्प करना है यहाँ पे पॉइंट डिवाइडेड पॉइंट दे रखा है -1, 6, इसकी मदद से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। और रेशियो के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यही फार्मूला आपको अप्लाई आपको करना होगा, ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स वाई यहाँ पर दे रखा है -1, 6 इज इक्वल टू एम वन, तो आपको फाइंड आउट करना है, एक्स टू यहाँ से लेना है 6, एम टू आपको फाइंड आउट करना है, एक्स वन लेना है आपको यहाँ से -3 बाई एम वन प्लस एम टू एज इट इज लेना है कॉमा, एम वन आपको लेना है दोबारा एम वन एज इट इज, वाई टू -8 प्लस एम टू एज इट इज, वाई वन आपको लेना है 10 बाई एम वन प्लस एम टू, इस तरह आप इसको लेना है, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आपको क्या कर सकते हैं, ये -1, 6 इज इक्वल टू 6 × m1, 6 m1, -3 × m2, 3 m2 बाई एम वन प्लस एम टू एज इट इज, ये -8 m1, 10 × m2, 10 m2 बाई एम वन प्लस एम टू, इस तरह आपको लेना है। देखिए फर्स्ट इक्वेट ये हो जाएगा, सेकंड इक्वेट ये हो जाएगा, तो आपको लेना है 6 m1 - 3 m2 बाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू -1, और यहाँ से एम -8 m1 + 10 m2 बाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू आपको लेना है 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6 m1 - 3 m2 इज इक्वल टू -1 × m1 + m2 हो जाएगा, 6 m1 - 3 m2 ये -m1, ठीक है, -1 - m1 - m2 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 m1 इसको इस तरफ ला लीजिए प्लस एम वन, ये -3 m2 इसको इस तरफ ला लीजिए, सॉरी -m2 इसको इस तरफ ला लीजिए +3 m2, ये दोनों को ऐड करेंगे 7 m1, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे -m2 और 3 m2 अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 m2, m1 / m2 अगर ले रहे हैं तो 2/7, m1 / m2 लिख रहे हैं, 2:7 एक हो गया। अब इसका भी आंसर सेम आना है, चेंज नहीं आना है, इसका भी आंसर यहाँ पर करेंगे, देखिए -8 m1 + 10 m2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 6 × m1 + m2, ये -8 m1 + 10 m2 6 × m1 = 6 m1 + 6 m2 -8 m1 इसको इस तरफ ला लेंगे -6 m1, 6 m2 इसको इस तरफ ला लेंगे -10 m2, ये दोनों को माइनस ऐड कीजिए 14 m1, ये दोनों को माइनस कीजिए 4 m2, m1 / m2 इज इक्वल टू -4 - -14, -2 × 4 = 2 m1 / m2 इज इक्वल टू 2:7, ये दोनों आंसर्स आपके बराबर है, इस तरह होना चाहिए। देखिए यहाँ पर
इफ 1, 2 4, y एक्स 6 एंड 3, 5 और द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है ए बी सी डी 1, 2 4, y एक्स 6 3, 5 टेक इन ऑर्डर एक्स एंड वाई मालूम करना है, मतलब ये एक्स यहाँ का वाई दो वैल्यू मालूम करना है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर आपको ले सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी और इसको हम लेंगे मिड पॉइंट से लेंगे तो इजी हो जाएगा। मिड पॉइंट इज इक्वल टू फॉर्मूला मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये फॉर्मूला आपको लेना है। अगर आप ए सी ले रहे तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई टू और 2 प्लस सिक्स बाई टू, और बी डी ले रहे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 4 प्लस थ्री बाई टू वाई प्लस फाइव बाई टू, इस तरह आप ले सकते हैं। ये दोनों 1 प्लस एक्स बाई टू, ये दोनों का ऐड कीजिए 8 बाई टू इज इक्वल टू ए 7 बाई टू, ये वाई प्लस फाइव बाई टू, ये टू 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 दो है कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 प्लस x, 8 इज इक्वल टू 7, y प्लस 5। देखिए ये दो इक्वेट हो जाएंगे, ये दो इक्वेट हो जाएंगे, 1 प्लस x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 इधर ला लीजिए माइनस 1, x इज इक्वल टू 6, यहाँ पर y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 इस तरफ ला लीजिए माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस कीजिए 3, देयरफोर x, y इज इक्वल टू क्या हो गया आंसर, यहाँ पर आपको 6, 3 इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक पॉइंट है ए बी इसको -4, 0 0, 6 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, मिड पॉइंट से भी कर सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको पी देंगे, इसको या देंगे क्यू, ये 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड करके एक 1 लिए तो एक को 3 लेना, क्योंकि एक पार्ट अलग है 1, 2, 3 पार्ट्स अलग है दो, एक और एक बार हम इसको करना है सेम एज इट इज, यहाँ पर ए बी यहाँ पर लेना -4, 0 0, 6 लेकर इसको आपको लेना है 3, 1 क्योंकि 4 इक्वल पार्ट, ये दो पार्ट्स, ये दो पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर लाइन मारेंगे तो आप ये 1, 2, 3 पार्ट्स यहाँ पर आपको इस तरह ले सकते हैं, ये m1, m2, x1, y1, x2, y2। इसको सॉल्व करने के लिए सेम एज इट इज फार्मूला आपको लेना है, यही फार्मूला आप देखिए m1, 1, x2, 0, m2, 3, x1, -4, m1 plus m2, 1 plus 3, फिर दोबारा से m1, 1, y2, 6, m2, 3, y1, 0 by 1 plus 3, ठीक है, ये पहले कर लेंगे उसके बाद ये करेंगे। अब ये 1, 0, 0, 3, 4, 12 ये दोनों को ऐड कीजिए 4, 1, 6, 6, 3, 0, 0 ये दोनों को ऐड कीजिए 4, ये दोनों को माइनस कीजिए -12 by 4 ये दोनों 6 by 4, 2, 4, 1 जा 4, 4, 3 जा 12, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4 -3, 3 by 2 इसका आंसर हो गया है एक पार्ट। और दूसरा यह भी हम ले लेंगे तो इसको m1, m2, x1, y1, x2, y2 सेम फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए m1 यहाँ से 3, x2 0, m2, 1, x1, -4 by m1 plus m2, 3 plus 1, फिर उसी तरह m1, 3, y2, 6, m2, 1, y1, 0 by m1 plus m2, 3 plus 1, 3, 0, 0, 1, 4 जा 4 by 4, 3, 6 जा 18, 1, 0, 0 by 4, ये -4 by 4, 18 by 4, 4, 1 जा 4, 1 जा 2, 9 जा 18, 2, 2 जा 4 -1, 9 by 2 इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2024 एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए फाइंड द
एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये फार्मूला देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। अब इसको यहाँ पर तीनों पॉइंट्स हम दे सकते हैं, ए बी सी, 2, 3 माइनस 1, 0 2, 4। ठीक है, अब ये लोगों के नेम्स दे देंगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, नेम्स दे दिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये फार्मूला लेके सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे तो 1/2 एक्स वन है यहाँ से एक्स वन टू, वाई टू माइनस वाई थ्री फोर, यहाँ से वाई टू, वाई टू ज़ीरो है, वाई थ्री माइनस फोर। ठीक है, उसी तरह प्लस एक्स टू है माइनस वन, वाई थ्री है फोर, माइनस वाई वन है माइनस थ्री, प्लस एक्स थ्री है टू, वाई वन थ्री माइनस टू, वाई टू ज़ीरो, ये मॉड हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 इंटू 2 0 0, 2 4 8, 1 4 4, माइनस टू माइनस प्लस, 1 3 3, 2 3 6, 2 0 0, इस तरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर 1/2, ये दोनों यहाँ पर माइनस के ऐड करेंगे 12, ये दोनों को ऐड करेंगे 9। यहाँ पर 1/2 मॉड, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पर 1/2 ये माइनस को मॉड इन टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये 3, 2 1 2.5, ये 1.5 स्क्वायर यूनिट्स, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, आपको पता है कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होगा, कोलिनियर में जीरो होगा। तो यहाँ पर आप तीन पॉइंट्स लिख लेंगे, आप ए बी सी, तीन पॉइंट्स हम लिख लेंगे, ए बी सी, एक 7, -2, 5, 1, 3, k, नेम्स दे देंगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, फिर दोबारा यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ से 1/2 एक्स वन हो जाएगा 7, वाई टू हो जाएगा 1, वाई थ्री हो जाएगा -k, प्लस एक्स टू हो जाएगा 5, वाई थ्री हो जाएगा k, वाई वन हो जाएगा -2, -2, प्लस एक्स थ्री हो जाएगा 3, वाई वन हो जाएगा -2, और वाई टू हो जाएगा फॉर्मूले का -1, इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1/2, 7 1 7, 7 into k 7k, 5 into k 5k, 5 2 10, 3 1 3, फिर सॉरी 3 2 6, 3 1 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह आप इसको ले लेंगे। यहाँ पर 1/2 देखिए, 7k माइनस प्लस 5k, दोनों माइनस में -2k हो जाएगा। यहाँ पर 7 + 10 = 17, 6 और 3 = 9 हो जाएगा, मतलब 17 में से अगर 9 निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8, 17 में से अगर 9 अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। ये मॉड -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, 0 हो जाएगा। ये माइनस टू मॉड हटा दीजिए, -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, -2k इज इक्वल टू, इस तरफ ला लीजिए -8, k इज इक्वल टू -8/-2, -2 1 2 4, देयर फोर k इज इक्वल टू इसका आंसर 4, इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। देखिए एक और बिट है यहाँ पर एक और बिट है, ये सेकंड वाला बिट, ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, यहाँ पर k, k, 2, k, 4, -1, ए बी सी, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, एज इट इज़ फार्मूला, ये फार्मूला ही लेना है आपको। ये 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको फार्मूला लिख लेना है, ये 1/2 एक्स वन हो जाएगा के, वाई टू हो जाएगा के, ठीक है, वाई थ्री हो जाएगा -2 -+1,
सॉरी इसको थ्री है, ये थ्री आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x1 के और y1 हो जाएगा यहाँ पर x1 के y2 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 और y3 हो जाएगा -2 -+1। ठीक है, इसको करेक्शन कर लेना है। प्लस x2 हो जाएगा 2, y3 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा माइनस के फॉर्मूले का माइनस। प्लस x3 हो जाएगा 4, y1 के और y2 हो जाएगा -3 इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 0 लेना है। अब यहाँ पर आपको 1/2 3k हो जाएगा, ये k1 k, 2 1 2 हो जाएगा, ये -2 × k 2k, 4 × k 4k हो जाएगा, 4 3 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k वालों को चेक कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए 4k, इसको ऐड कीजिए 8k, 8k -2k क्या हो जाएगा 6k। यहाँ पर देखिए -2 है, ये -12 है, ऐड करेंगे -14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 6k -14 इज इक्वल टू 1/2 × 0 0, 6k इज इक्वल टू इस तरफ ला लीजिए 14, k इज इक्वल टू 14/6, 2 7 2 3 therefore k इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 7/3। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स है देखिए ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस आर, ये दे रहा है, ये ट्राइंगल दे रखा है, इस तरह एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल 0, -1 है, 2, 1 है, 0, 3 है, इसके पहले मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। ये मिड पॉइंट्स हो जाएंगे ये DEF, अगर AB ले लेंगे तो F मालूम हो जाएगा, BC ले लेंगे तो D मालूम हो जाएगा, AC ले लेंगे तो E मालूम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल का एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है, बड़े ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है। बड़े ट्राइंगल में एक ट्राइंगल आप बनाएं तो 4 ट्राइंगल्स आ गए, तो जिसका एरिया जितना आएगा बड़े ट्राइंगल का उससे 4 टाइम्स ज़्यादा आना है। तो सबसे पहले मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ये फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। ए भी अगर करें तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ये 0 + 2 / 2 -1 + 1/2 -1 + 1/2 ये 0/2 तो 0 + 2 2 ये 0/2 2 1 2 1 ये 0 तो 1, 0 आंसर आ गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, 0। अब BC अगर आप करें तो BC इज इक्वल टू 2 + x1 y1 x2 y2 हो जाएगा 2 + 0/2 1 + 3/2 इस तरह ले लेंगे, ये 2/2 हो जाएगा, ऐड करने पर ये 4/2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 ये आ गया 1, 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, 2। ये दोनों को अगर आप ले रहे तो AC इज इक्वल टू 0 + 0/2 -1 + 3/2 0/2 हो जाएगा, ये 2/2 2 1 2 1 0, 1 यहाँ पर आ जाएगा 0, 1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल वो लेना है, ABC ए वाला है 0, -1, बी वाला है 2, 1 0, 3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, फिर सेम फार्मूला आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फार्मूला आपको लेना है 1/2 x1। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1/2 x1 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा 1, y3 हो जाएगा -3 प्लस x2 हो जाएगा 2, y3 हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा -2 - +1 x3 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा ये माइनस फार्मूले का ये 1। ठीक है, अब देखिए 1/2 0 1 0 0 3 0 2 3 6 2 1 2 0 1 0 0 1 0 या माइनस या प्लस कुछ भी ले लीजिए, ये 1/2 ये पूरों का ऐड करने पर 8 हो जाएगा, ये 1/2 × 8 2 1 2 2 4 8 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, किसका आंसर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब डी ई एफ ले लेंगे, डी ई एफ यहां से डी वन कामा टू, ए ई जीरो कामा वन, ये एफ है वन कामा जीरो, ये तीनों हम ले लिए। अब यहां पर एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। अब इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल यही फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए वन बाई टू एक्स वन वन, वाई टू वन, वाई थ्री ज़ीरो, एक्स टू ज़ीरो, वाई थ्री ज़ीरो, वाई वन टू, प्लस एक्स थ्री वन, वाई वन टू, वाई टू माइनस वन, इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना आपको। तो चलिए वन बाई टू, वन वन ज़ा वन, वन ज़ीरो ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ये वन टू ज़ा टू, वन वन ज़ा वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वन बाई टू इंटू यहाँ पर बच जाएगा टू, ये दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू वन, ये वन है, इसका आंसर फोर, तो ये फोर टाइम्स याद आएगा, तो ये वन स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हैं इसका। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। ए बी सी, ए वन कामा टू, माइनस वन कामा बी, माइनस थ्री कामा माइनस फोर, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही फार्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन बाई टू, एक्स वन है वन, वाई टू है बी, वाई थ्री है माइनस इन माइनस प्लस फोर, प्लस एक्स टू है माइनस वन, वाई थ्री है माइनस फोर, वाई वन है फार्मूले का माइनस टू, एक्स थ्री है माइनस थ्री, वाई वन है टू, और वाई टू है माइनस बी, वाई टू है माइनस बी, इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे ज़ीरो। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, वन इंटू बी बी, वन फोर ज़ा फोर, माइनस टू माइनस प्लस वन फोर ज़ा फोर, माइनस इंटू माइनस प्लस वन टू ज़ा टू, माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री बी, इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आप ले सकते हैं वन बाई टू बी थ्री बी फोर बी, ठीक है। फोर फोर एट टू टेन, टेन माइनस सिक्स क्या हो गया फोर, इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फोर बी प्लस फोर इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फोर बी इज इक्वल टू इस तरफ ला लीजिए माइनस फोर, बी इज इक्वल टू माइनस फोर बाई फोर, फोर वन ज़ा फोर वन ज़ा, बी इज इक्वल टू आंसर माइनस वन। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दे रखा है देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक मैं कराऊंगा एक आपको करना है, कोलिनियर बताना है मतलब इसका आंसर जीरो लाना है आपको। ये तीनों पॉइंट्स दे दिया, कोलिनियर का मतलब द पॉइंट्स गोइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ए वन कामा माइनस वन, फोर कामा वन, माइनस टू कामा माइनस थ्री, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ये फार्मूला। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए यहाँ से ये फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहाँ पर ले लेंगे वन बाई टू, बताइए एक्स वन क्या है वन, वाई टू क्या है वन, वाई थ्री है माइनस टू माइनस प्लस थ्री, प्लस एक्स टू है फोर, वाई थ्री है माइनस थ्री, वाई वन है माइनस टू माइनस प्लस वन, प्लस एक्स थ्री है माइनस टू, वाई वन है माइनस वन, वाई टू है फॉर्मूले का माइनस वन, ये हो गया। ये वन बाई टू, वन वन ज़ा वन, वन थ्री ज़ा थ्री, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर वन ज़ा फोर, माइनस टू माइनस प्लस टू वन ज़ा टू, माइनस टू माइनस प्लस टू वन ज़ा टू, ये वन बाई टू, वन थ्री फोर, फोर फोर एट, एट टू टू टेन, टेन टू ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व, वन बाई टू इंटू है ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएगा। ये बिट आपको कर लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, थ्री मेटालिक स्पीयर्स है जिसका रेडियस सिक्स सेंटीमीटर, एट सेंटीमीटर, टेन सेंटीमीटर, अलग अलग तीन स्पेस है या एक जगह पर है समझिए। इसको आप मेल्ट कर दे रहे, घुला दे रहे, पिघला दे रहे, पिघला के एक बड़ा स्पीयर बना रहे, सिंगल स्पीयर बना रहे। तो सिंगल स्पीयर का रेडियस कितना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको लेना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये स्पीयर्स है, इसको हम दे देंगे आर वन जिसका रेडियस है सिक्स सेंटीमीटर, ठीक है। एक और स्पीयर दे देंगे, इसको दे देंगे हम लोग आर टू, इसका रेडियस है एट सेंटीमीटर्स, ठीक है। और एक है रेड स्पेयर दे देंगे, इसको दे देंगे आर थ्री,
इसको हम लेंगे 10 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर अलग अलग स्पेयर से। इसको आप क्या कर रहे हैं, एक स्पेयर इस तरह बना रहे हैं, ये पूरों को पिघला कर इसका रेडियस कितना है आपको पता करना है, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर्स, तीनों स्पीयर्स के लेंगे। इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पहले वाले का 4/3 पाई आर वन क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 हम दिएंगे। दूसरे वाले का 4/3 पाई आर टू क्यूब हो जाएगा, तीसरे वाले का 4/3 पाई आर थ्री क्यूब हो जाएगा। इस तरह आप लेंगे, ये 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर, आप कॉमन पाई कॉमन ले सकते हैं, ये आर वन क्यूब, आर टू क्यूब, आर थ्री क्यूब, ये बच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू आर वन क्यूब प्लस आर टू क्यूब प्लस आर थ्री क्यूब। ये आर क्यूब इज इक्वल टू आर वन का क्वेश्चन के अंदर 6 क्यूब, आर टू 8 क्यूब, आर थ्री 10 क्यूब। आर क्यूब इज इक्वल टू 6 को 3 टाइम लिखिए, 6 इज द 36, 6 जा 216, 8 एट द 64, 8 जा 512, 10 टेन जा 100, 10 जा 1000। आर क्यूब इज इक्वल टू ये पूरों को ऐड कीजिए 1728, 1728 का एलसीएम आपको लेना है, 1728, 2 से 28 जा 26 जा 24 जा 24 जा 23 जा 22 जा 22 जा 4 21 जा 226 जा 12 210 जा 20 28 जा 16 25 जा 10 24 जा 8 22 जा 4 27 जा 14 39 जा 27 33 जा 9 31 जा 3। ये 3-3 का पेयर्स बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब का एक पेयर बन गया, तो 2 क्यूब का दो पेयर्स है, एक 3 क्यूब का है, ये 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब। ये आर क्यूब इज इक्वल टू ये 2 × 2 × 3 लिखकर पूरों के ऊपर 3 आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल। आर इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, आर इज इक्वल टू 2 × 4 = 12, ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर सर। चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक कंटेनर है और सिलेंडर शेप का कंटेनर है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसके अंदर पूरा आइसक्रीम फिल्ड है। इस आइसक्रीम को हम क्या कर रहे हैं, एक कोन में फिल्ड कर रहे हैं जिसका हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप भी आ रहा है। तो आपको पता करना है इस वाले सिलेंडर में से इस ऐसे आइसक्रीम्स कितने फिल्ड होते, कितने कोन फिल्ड होते आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 5, एक सिलेंडर है इस तरह का, ठीक है, इस सिलेंडर का आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर आर इज इक्वल टू डी बाई टू, कितना हो जाएगा 12, 2 × 2 = 12, आर इज इक्वल टू 6, और हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों आपको दे रखा है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर कितना बड़ा है आपको ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 × 6 × h है 15, 22 6 जा इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, 22 6 जा 6 जा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11880 बाई नीचे 7 आ जाएगा, इसको क्या देंगे नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, एक कोन है, इस टाइप का कोन है, एक कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर का एक शेप आ रहा है आइसक्रीम जो हम फिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोन का हाइट है 12 सेंटीमीटर्स, ये हाइट है 12 सेंटीमीटर्स, और उसी तरह डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स, आर इज इक्वल टू डी बाई टू 6/2, 2 × 2 = 3। तो ऐसे कितने कौन सा फील्ड हो रहे हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमस्फेयर, ये दो आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये इस तरह हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे इसके अंदर 1/3 पाई हो जाएगा 22/7, ये आर स्क्वायर यहाँ से 3 × 3 एच हो जाएगा 12, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको लेना है नेक्स्ट प्लस ये 2/3 पाई 22/7, ये आर क्यूब हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 12 × 3 = 36, 36 × 12 = 792 बाई नीचे 7, 22 × 2 = 44, 3 × 3 = 9, 44 × 9 = 396 बाई नीचे 7। ये दो 7 का एक 7 एलसीएम लेंगे, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 792 + 396, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 1188 बाई नीचे 7, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सिलेंडर्स है 1180 by 7 में से आपको ये डिवाइड करना है 1188 by 7। अब 1180 by 7 ये उल्टा हो जाएगा 7 by 1188, 7 7 कैंसिल, 1181 = 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इस तरह के 10 कॉन्स फील्ड हो रहे हैं, आप मालूम कर सकते हैं। तो क्या होगा, इस टाइप शेप का क्यूबॉइड बनेगा। इस तरह आप इसको सॉल्व करना है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ए वेसल एक बर्तन है, एक कोन के फॉर्म में है और इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और इसके अंदर लेड शॉट्स है, जो ड्रॉप्स है विद द स्फीयर ऑफ द, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉप एक बर्तन में गिरते गिरते वाटर क्या हो रहा, खाली हो जा रहा, 1.4 फ्लो हो जा रहा। तो इसका कितने ड्रॉप्स वेजल में आए पहचानना है आपको, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया कोन के शेप में एक बर्तन है और एक कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एक ड्रॉप्स इस तरह आपको ड्रॉन है, यहाँ पे R इज इक्वल टू आप क्या दे सकते हैं क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको पता ही है 1/3। इससे पहले आपको 1/4 लिखना होगा क्योंकि 1/4 खाली हो जा रहा, 1/4 इनटू और इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बाई वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता ही है 4/3 इनटू पाई आर क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया यहाँ पे, 1/4 इनटू 1/3 इनटू आर स्क्वायर एच बाई 4/3 इनटू आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 इंटू 1/3 इंटू आर स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, देखिए आर स्क्वायर यहाँ पे 5 × 5 और एच क्या है यहाँ पे 8 बाई ये 4/3 इंटू ये आर क्यूब है, 0.5 है तो 5/10 लिखेंगे इसको, 5/10 इंटू 5/10, ठीक है। अब ये 1/4 इंटू 1/3 इंटू 5 × 5 × ये 1 डाल दीजिए इंटू 8/1 इंटू इसको डबल फ्रैक्शन है, उल्टा हो जाएगा इधर आके 3/4 इंटू 10/5 इंटू 10/5 इंटू 10/5 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंसिल 1, 2, 5 ये दोनों 5 कैंसिल हो गए, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 5 ये कैंसिल हो गया, फिर 3 और 3 ही कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाए यहाँ पे, 5 × 10 = 50 यहाँ पर 5 × 10 = और कोई कैंसिल हो रहा है इसके अंदर, हाँ ये 5 और 5 भी कैंसिल, 10 × 10 बच जाएगा 10 × 10 = 100। यहाँ पे क्या लिखना है, ये 100 आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए 100 ड्रॉपड ऑफ वेजल्स यहाँ पे क्या कर क्या दे रखा है, देखिए कितने इन्वर्टेड हाइट ऑफ द 8 मीटर रेडियस टॉप ऑफ द फील्ड वाटर, तो दी लीड शॉट, तो 100 लीड शॉट्स आपके उसके अंदर से ड्रॉप हो जाएंगे, तो क्या होगा 1.4 बर्तन खाली हो जाएगा। चलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ए सॉलिड मेल्टेड स्फीयर, एक सॉलिड को हम
मेल्ट कर रहे जो स्पीयर के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है, इसको हम मेल्ट कर रहे और जिसका डायामीटर क्वेश्चन में दे रखा है आर इज इक्वल टू डी बाई टू 28 सेंटीमीटर्स, 28 बाई टू 1 × 4 × 4 हो जाएगा। इसको मेल्ट कर रहे, पिघला के रिकॉस्ट कर रहे, कोन्स क्या कर रहे, स्मॉलर कोन्स बना रहे, छोटे छोटे कोन्स हम लोग बना रहे और जिसका डायामीटर है एक इस तरह की कोन्स, एक कोन्स हम लोग स्मॉलर बना रहे। ये आर इज इक्वल टू डी बाई टू इज इक्वल टू ये 4 इंटीजर 2/3 है, इसको चेंज करेंगे 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 12 × 2 = 14/3 ये बाई टू, यहाँ पे 1 डाल के चेंज करेंगे आर इज इक्वल टू 14/3 ये उल्टा हो जाएगा तो 1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 आर इज इक्वल टू 7/3 ये डायमीटर हो जाएगा और इसका हाइट है 3 सेंटीमीटर्स, हाइट है 3 सेंटीमीटर्स। अब आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन्स इसके अंदर बन रहे मालूम करना है। इसको पिघला देंगे तो इसके कोन्स बना रहे, कितने कोन्स इसके अंदर बन रहे मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करना, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ कोन्स का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, वॉल्यूम ऑफ कोन्स का 1/3 πr² h, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, क्या बच जाए यहाँ पे 4 × r³ बच गया, यहाँ पे r² h बच गया, ये 4 × r³ ये रेडियस है स्पीयर का है तो इसका 14 × 14 × 14 बाई ये r² है 7/3 × 7/3 × h है 3, ये 3 और 3 भी कैंसिल आप कर सकते हैं, ये 4 × 14 × 14 × 14 × इसको उल्टा कर दो 3/7 इसको उल्टा कर दो 1/7, 7 × 1 = 7, 2 × 7 = 7, 2 × यहाँ पे बच गया 4 × 8 = 16, 16 × 3 = 48, 48 × 14, 14 × 48 = 672 आ जाएगा ये आंसर। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। इन ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर आइट कर्ड सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और सबटेंडेड राइट एंगल का सेंटर एक कर्ड है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग आपको मालूम करना है, पाई इज इक्वल 3.14 लेकर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों आपको पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक सर्कल लेना पड़ेगा इस तरह, एक सर्कल है, यहाँ से ये ओ हो गया, ये रेडियस है समझेंगे, ये एक सबटेंडेड एंगल है और सबटेंडेड एंगल 90 डिग्रीज होगा, आपको याद रखना है सबटेंडेड एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हम ले लेंगे, ये 90 डिग्रीज है। यहाँ पर आपको गिवन है ये भी 10 सेंटीमीटर्स है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये होगा, ये सर्कल यहाँ से यहाँ तक टच हो रहा है, ये ट्राइंगल ये दोनों जगह पर टच हो रहा है तो सर्कल का ये माइनर सेगमेंट होगा और ये बड़ा वाला मेजर सेगमेंट होगा। तो आपको दोनों भी फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट भी और मेजर सेगमेंट दोनों भी। अब यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज लिखे, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स होगा और हाइट इज इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर होगा, आपको याद रखना है। अगर सबटेंडेड एंगल 90 डिग्रीज होगा, अगर 90 डिग्रीज से ज़्यादा रहेंगे तो हाइट और बेस दोनों अलग होंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चंस आपको दे रखा है, पहला है माइनर, देखिए इसके अंदर सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हो रहे, एक सर्कल, एक ट्राइंगल और एक सेक्टर, ये सेक्टर ये तीनों यहाँ पर हो रहे हैं। अब आपको सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वाला माइनर सेगमेंट लेंगे, माइनर सेगमेंट में क्या होगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे, ये छोटा वाला एरिया ऑफ सेक्टर लेकर माइनस आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों आपको लेना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एक्स डिग्री बाई 360 × πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होगा। यहाँ पर ये फार्मूला आपके पास पता ही होना चाहिए, x डिग्री क्वेश्चन में 90 डिग्री से बाई ये 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा है
आर स्क्वायर आपको पता ही है 10 इंटू 10 यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, माइनस 1 बाई 2, बेस होगा 10, हाइट होगा 10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, 91 जा 90, 94 जा 360 होगा, यहाँ पर आपको 1 बाई 4 इंटू ये पॉइंट हटा देंगे 314 बाई, दोनों पॉइंट है तो दो जीरो, ये 1 हो जाएगा, इंटू 10 टेन जा 100, माइनस 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पर बच जाएगा 5 इंटू 10। अब यहाँ पर देखिए 100 और 100 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यहाँ पर बच जाएगा 157 बाई 2, माइनस 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 157 को 2 से डिवाइड करना है, 2 7 जा 14, 1 बच जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा 0.05, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 78.5 माइनस 50, ये दोनों को माइनस करेंगे 28.5 आ जाएगा, ये होगा माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट आपको लेना है, देखिए मेजर सेगमेंट सेकंड वाला, मेजर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट ये बड़ा वाला है, तो आपको ये पूरा सर्कल है, ये माइनर सेगमेंट आपको आ गया, तो ये सर्कल में से ये पूरा इतना निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये आपको माइनर से, यहाँ पर आपको माइनर सेगमेंट 28.5 ले लेंगे तो आपको आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस 28.5, पाई का वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपको 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 माइनस 28.5, ये 314 लिखकर बाई 100, 10 टेन जाए 100 हो जाएगा, माइनस 28.5, ये दोनों कैंसिल, 314 माइनस 28.5, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे 314.0 में से 28.5 माइनस करेंगे, यहाँ से ले लिए 5 हो जाएगा, 13 में से ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 110 में से 2 निकालो 8 बच जाएगा, यहाँ पे 2, इसका आंसर 285.5 ये आपका सेंटीमीटर्स होगा। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आंसर। ये फोर्थ है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन द एडजेसेंट फिगर, यहां पर दे रखा है, देखिए इस शेडेड रीजन का पता करना है, ये आपको पता करना है, और ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर है ये यहां पर, और इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, ये पूरे सेमी सर्कल सही है, सेमी सर्कल ड्रॉन द ई साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, अब यहाँ पे दे रखा है, देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4, एक स्क्वायर दे रखा है, इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड से पूरे 10 10 10, इसके अंदर 4 सेमी सर्कल है, इस तरह एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इस तरह एक सेमी सर्कल है, इस तरह एक सेमी सर्कल है, इस तरह एक सेमी सर्कल है, ये पूरे शेडेड रीजन है, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है पाई इज इक्वल टू 3.14 दे रखा है, और रेडियस देखिए, ये रेडियस अगर ये पूरा 10 है, यहाँ तक लेके जाएगा, हाफ स्टॉप करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर्स, 5 रेडियस 5 हो जाएगा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल, कितने सेमी सर्कल्स है पूरे, ये 4, यहाँ पर लेना एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स है माइनस ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया स्क्वायर, इस तरह आपको लेना, ये 4 इंटू सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होगा सेमी सर्कल का, और एरिया ऑफ स्क्वायर एस इंटू एस, ये 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एस इंटू एस, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14, आर स्क्वायर 5 इंटू 5 माइनस एस 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, ये देखिए 2 इंटू ये 314 बाई 100 हो जाएगा, इंटू 5 5 जा 25, माइनस 10 10 जा 100, 25 1 जा 25 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, 2 5 जा 2 7 जा, 157 माइनस 100, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो 57 सेंटीमीटर्स आ जाएगा।
देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट सर्कल्स ऑफ द रेडियस। देखिए क्वाड्रेंट सर्कल है, यहां से यहां तक क्वाड्रेंट सर्कल है, यहां से यहां तक क्वाड्रेंट सर्कल है, एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर, यहां पर 3.4 यू लेके आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, पाई इज इक्वल टू 3.14। और उसी तरह क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, साइड दे रखा है ट्राइंगल 10 और रेडियस भी 10 होगा क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल है, ये 10 होगा। तो कितने क्वाड्रेंट सर्कल है, टू क्वाड्रेंट सर्कल मतलब टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल समझिए, टू क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर टू क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 क्वाड्रेंट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर एस इंटू एस, 2 × 2 = 4 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 × 10 माइनस एस है 10 × 10 ठीक है। अब ये 1/2 इंटू 3.14 चाहे के 3 × 14 × 100 लिख सकते हैं, 10 × 10 = 100 माइनस 10 × 10 = 100 ये 100 × 100 कैंसिल, 2 × 2 = 2 × 2 = 2 × 5 = 2 × 7 = 157 माइनस 100, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 57 सेंटीमीटर्स। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। ए टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स, मतलब ये इस तरह एक सर्कल है, ये ओ है, यहां से यहां तक आपको रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स और यहां से ये ओ, ये पी है, ये क्यू है, टेंजेंट है, ये पी क्यू टेंजेंट है और ओ क्यू, ये ओ है, ओ क्यू कितना है यहाँ पे दे रखा है 13 सेंटीमीटर्स। फाइंड आउट करना है पी क्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है पी क्यू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम BPT, बाय द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर है, इस तरह आपको लिखना है यहाँ पे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए ओ क्यू स्क्वायर है क्वेश्चन के अंदर 13 स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर है 5 स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है ये ठीक है। ये ब्रैकेट डालिए, 13 × 13 = 169, 5 × 5 = 25 प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ये ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको इस तरफ ला लेंगे -25, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस करेंगे 144, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को आप 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, ओ क्यू इज इक्वल टू 12, ये आंसर फोर्थ वाला ठीक है। यहाँ पर आपको एक सर्कल लेना है, ये ओ हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा क्वेश्चन के अंदर 9 सेंटीमीटर्स, यहाँ से एक टेंजेंट है ठीक है, ये ए और बी दे देंगे और यहाँ से एक वैल्यू दे रखा है इसके 15 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर अभी हम करें बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ये फाइंड आउट करना है आपको बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 15 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर, 15 × 15 = 225, 9 × 9 = 81 प्लस बी सी स्क्वायर, फिर ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 225 - 81 ठीक है, 225 - 81 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस करो 144, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को आप 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, बी सी इज इक्वल टू 12, ये आंसर आ गया। इस तरह आप इसको देखिए, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, गिवन है 3, 8, 13, 18, यहाँ पर कह रहा है इज 78 टर्म्स है, इज का मतलब ए एन हो जाएगा 78, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3, डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, ये ए वन होगा ये ए टू होगा, 8 - 3 ये डी इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 5। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कौन सा टर्म होगा आपको फाइंड आउट करना है, विच टर्म इज इन द ए पी, मतलब ये जो दे रखा है ये कौन सा टर्म होगा। ए एन आपके पास पता है 78 इज इक्वल टू ए है 3
प्लस एन माइनस वन, डी आपके पास है अभी आ गया 5, ये एज इट इज रखेंगे एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 78, इस तरफ ला लीजिए माइनस 3, एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 75, एन माइनस वन इज इक्वल टू 75 बाय नीचे 5, 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25, एन माइनस वन इज इक्वल टू 16, एन इज इक्वल टू 16 इस तरफ ला लीजिए प्लस सॉरी 15, एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16, ये 16th टर्म इज इन ए पी बोलकर आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म का क्या आएगा, ए प्लस 30D आ जाएगा। तो आपको ये मालूम करने के लिए सबसे पहले ए और डी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पर 11th टर्म इज 38 दे रखा है। 11th टर्म मतलब ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए नंबर वन है। 16th टर्म दे रखा है, ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस ए 15D हो जाएगा इज इक्वल टू 73, ये नंबर टू। ठीक है, ये दोनों टर्म्स की मदद से हम 38 टर्म मालूम करेंगे। इसके लिए आपको सॉल्विंग वन एंड टू करना होगा, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस ए माइनस, ये दोनों कैंसिल, ए माइनस 5D, ये दोनों को माइनस कीजिए 73 माइनस 38, ए 5 यहाँ पर 63 माइनस 35, डी इज इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 5 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 5 वन ज़ा 5 सेवन ज़ा, डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सब्सटीट्यूटिंग इन वन में करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इन वन, वन है ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ए प्लस 10D की वैल्यू अभी आ गई हमको 7 इज इक्वल टू 38, ए प्लस 10 सेवन ज़ा 70 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38 इस तरफ ला लीजिए माइनस 70, ए इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर माइनस करेंगे माइनस 22, माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 32। तो ये ए की वैल्यू हो गई और डी की वैल्यू, दोनों भी आपके पास फाइंड आउट हो गए। अब इसकी मदद से आपको क्या करना होगा, आपको सॉल्व करना होगा 38 टर्म, 31st टर्म, ए 31st इज इक्वल टू ए प्लस 30D, ए की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30, डी की वैल्यू है 7, माइनस 32 प्लस 3 सेवन ज़ा 21 माने 210। अब आपको माइनस करना, इन दोनों को माइनस करेंगे 178 आ जाएगा, इस तरह आप सॉल्व करना है। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट होगा, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट होगा, 100 से लेकर 999 तक 3 डिजिट होगा, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं आपको पहचानना है। देखिए 7 से डिवाइड होगा 105, 7 ऐड करेंगे 112, 7 ऐड करेंगे 119। ठीक है, देखिए 105 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 1 ज़ा 7, 3 आ जाएगा 5, 7 5 ज़ा 35, कुछ भी नहीं बचा रहा, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा, इस तरह करते करते लास्ट आ जाएगा 994 तक आपको 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ये 3 डिजिट नंबर्स है। तो a इज इक्वल टू 105 ले सकते हैं आप, d इज इक्वल टू 7 ले सकते हैं, an इज इक्वल टू 994 आप ले सकते हैं। अब फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d आप ले सकते हो। ठीक है, an आपके पास है 994 इज इक्वल टू, a भी आपके पास है 105 प्लस n माइनस 1 डी 7, इसको एज इट इज रखेंगे n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994, इस तरफ ला लेंगे माइनस 105, माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर माइनस आप करेंगे, दोनों को माइनस कीजिए, 994 माइनस 105 889 आ जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बाय 7, 7 वन ज़ा 7 और यहाँ पर बच जाएगा 1 हो जाएगा, 7 टू ज़ा 14 और उसी तरह 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो 889 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, 7 वन ज़ा 7 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 टू ज़ा 14, 4 आ जाएगा फिर 9, 7 7 ज़ा
49, इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। एन माइनस वन इज इक्वल टू 127, एन इज इक्वल टू 127 इस तरफ ला लीजिए प्लस वन, एन इज इक्वल टू 128, मतलब 128 टर्म्स ऐसे है जो 7 से डिवाइड होने वाले थ्री डिजिट नंबर्स। एक और इंपॉर्टेंट देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं 4 से, जैसा 10 और 250 के बीच में 4 3 12 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 4 4 16, 4 5 20, ऐसा करते 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 हमको 248 तक आ जाएगा। अब a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4 4 का डिफरेंस है, यह आ जाएगा an इज इक्वल टू आ जाएगा 248, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में आप रख सकते हो, ये ए एन हो जाएगा 248 इज इक्वल टू ए है 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है आपके पास 4, ये 248 इज इक्वल टू 12, या ये स्टेप कम करेंगे, ये यहाँ पे रख देंगे एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248, इस तरफ ला लीजिए माइनस 12, ठीक है। एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 236, एन माइनस वन इज इक्वल टू 236 बाई 4, 4 1 4 5 4 9, ठीक है। एन माइनस वन इज इक्वल टू 59, एन इज इक्वल टू 59 इस तरफ ला लीजिए प्लस 1, एन इज इक्वल टू 60, ये इसका आंसर है। चलिए देखिए, सुबह राव एक काम स्टार्ट करा है 1995 में और उसको मंथली सैलरी दी जा रही थी 5000 रुपीस, तो उसको हर साल 200 रुपीस बढ़ा रहे थे, जैसा पहले साल 5000, उसके बाद 5200, उसके बाद 5400, बढ़ाते 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 इसकी सैलरी 7000 हो गई। ये 7000 सैलरी कितने ईयर में हुई आपको फाइंड आउट करना है। ए इज इक्वल टू 5000, डी इज इक्वल टू 200 रुपीस बढ़ा रहे, लास्ट सैलरी है 7000, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें ही आपको सब्सिट्यूट करना होगा। ए एन है 7000, ए है 5000 प्लस एन माइनस वन, डी है 200, ये यहीं पर रख देना, एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 7000, इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 5000, एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 2000, ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे 2000। अब n माइनस वन इज इक्वल टू ए 2000 बाई नीचे 200, ये दो जीरो कैंसिल, 2 1 2 10, एन माइनस वन इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 इस तरफ ला लीजिए प्लस 1, n इज इक्वल टू 11, 11 ईयर्स में उसकी सैलरी 7000 रुपीज हो रही है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्रेशन इस चैप्टर के, वैसे तो ऑलरेडी एक एक करके सभी चैप्टर्स के मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके जाएंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। देखिए यहाँ पर दे रखा है ए इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है, डी इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ए एन इज इक्वल टू 50 दे रखा है यहां पर, और यहां पर आपको एन फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू 50 आप लेंगे तो ए एन के फॉर्मूले में अगर आप एन फाइंड आउट कर पाएंगे तो ही एस एन फाइंड आउट कर पाएंगे। एन एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाले फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपका आंसर आएगा ए एन 50 है, ए आपके पास है 5 प्लस एन माइनस वन, डी है आपके पास 3, ये एज इट इज रखेंगे, एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 50, 5 को इस तरफ ला लेंगे माइनस 5, एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे हो जाएगा 45, एन माइनस वन इज इक्वल टू 45 बाई 3, 3 1 3, 3 5 15, एन माइनस वन इज इक्वल टू 15, ठीक है। और अब क्या होगा, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अब आपको क्या करना है, एस एन फाइंड आउट करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, शॉर्ट फार्मूला ले सकते हैं आप, क्योंकि एस एन और एन ए, मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो
ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 50 आप लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब भी सेम होगा। अब एस एन आपको पता ही है 16, एन आपको पता है 16/2, ए आपके पास है ऑलरेडी 5 प्लस एल आपके पास है 50, 16/2 इंटू ये दोनों को ऐड कीजिए 55, 2 × 2 = 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 44, 40 ये आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए देखिए यहां पर भी एक क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 7 है, ए 13 इज इक्वल टू 35 है, इसको आप क्या कीजिए, ए 13 का मतलब हो जाएगा ए प्लस 12 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 + 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35, ये माइनस 7 इस तरफ ला लीजिए 7, 12d इज इक्वल टू ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे 28 आ जाएगा, d इज इक्वल टू 28/12, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, d इज इक्वल टू 7/3, यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, d इज इक्वल टू 7/3 भी जुड़ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है S13, D तो हम मालूम कर लिए, S13 का फॉर्मूला पहले Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये होगा Sn13 इक्वेशन के अंदर 13, ये 13/2 इंटू 2a है 7 प्लस n की प्लस में 13 - 1, डी है 7/3, ये आप सब्स्टिट्यूट करें 13/2, 2 × 7 = 14 प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए 12 इंटू 7/3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 आप कर सकते हैं, 13/2 ये 14 प्लस 4 × 7 = 28, 13/2 इंटू ये दोनों को ऐड कीजिए आप क्या हो जाएगा 42, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 13 × 21, 13 को आप 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, कितना होगा 372, इसका आंसर हो जाएगा 273, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, ये अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले क्वेश्चन को, और 17th टर्म 289 होगा, तो सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको लेना है, फॉर्मूला आपको पता है सम का, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ए फॉर्मूले में आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, पहले फर्स्ट 7 टर्म्स S7 इज इक्वल टू n की प्लस में 7/2 2a + n 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका क्वेश्चन में अंदर गिवन है 49, अब आप क्या करेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस ये दोनों को माइनस कीजिए 6d इज इक्वल टू 49, ये 2a + 6d इज इक्वल टू 49, इस तरफ आ जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/7, 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 2a + 6d इज इक्वल टू 7 × 2 = 14, इसको देंगे नंबर 1, ये पहला हो गया। दूसरा भी एज इट इज n की प्लस में 17 रखना है आपको, S17 इज इक्वल टू 2a + n की जगह 17 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसका क्वेश्चन में 289, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a + ये दोनों को माइनस कीजिए 16d इज इक्वल टू 289, और n/2 का मतलब है 17/2 आ जाएगा यहाँ पे, 17/2 यहाँ पर भी 17/2, अब आप क्या कर सकते हैं 2a + 16d इज इक्वल टू 289 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 2/17, 17 × 1 = 17, 17 × 2, 2a + 16d इज इक्वल टू 17 × 2 = 34, ये हो जाएगा नंबर 2। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, फर्स्ट वाला है 2a + 6d इज इक्वल टू 14, सेकेंड वाला है 2a + 16d इज इक्वल टू 34, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, ये दोनों को माइनस करेंगे 10d, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -20,
डी इज इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 10, ये दोनों कैंसिल, 10 वन जा 10 टू जा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पर आपको डी भी आ गया। अब इसको आपको सब्सटीट्यूटिंग इन 1 में करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, 1 वाला इक्वेशन है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6d है 2 आपके पास अभी आ गया इज इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 टू द 12 इज इक्वल टू 14, 2a इज इक्वल टू 14 इस तरफ ला लीजिए माइनस 12, 2a इज इक्वल टू माइनस कीजिए 2, ये 2 वन जा 2 वन जा, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू भी आपके पास 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दे रखा है n टर्म्स, मतलब आपको sn यहाँ पे लेना है, sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n की जगह n ही रखना है आपको, sn तो n ही रहेगा, n बाई 2 n बाई 2 रहेगा, 2a अभी आ गया हमको 1 प्लस n एज इट इज रहेगा माइनस 1, d आ गया 2, ये n बाई 2 इंटू 2 वन जा 2 प्लस 2 इंटू n 2n 2 वन जा 2, ये दोनों कैंसिल, n बाई 2 इंटू 2n, ठीक है, एन बाई 2 इंटू 2n अगर कैंसिल होगा तो 2 2 कैंसिल n इंटू n n स्क्वायर, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए फाइंड द सम ऑफ द 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने वाले 40 इंटीजर्स आपको लिखना है। चलिए इसको हम क्या करेंगे 40 इंटीजर्स के लिए, और सपोज करेंगे 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, करते 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 6 फोर जा 24, 240 तक होगा, ये 240 तक होगा, 40 इंटीजर्स हमको फाइंड आउट करना है। ये ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू हो जाएगा 240, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6, डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू माइनस ए वन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम ए एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल ले सकते हैं क्योंकि एल हमको पता ही है। चलिए ए एन, एन आपके पास 40 है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे दे रखा है 40, तो ए 40 इज इक्वल टू 40 बाई 2 इंटू ए आपके पास 6 है, एल है आपके पास 240, ए 40 बाई 2 इंटू ए 246, 2 वन जा 220 जा 20 इंटू 246, 20 इंटू 246 अगर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 246 को 20 से 0 0 0, 26 जा 12 कैरी 1, 24 जा 8 9, 22 जा 4 0 2 9 4 4 9 2 0, इस तरह आप कर सकते हैं इसको। ये देखिए ये जीपी वाला क्वेश्चन है, 10th टर्म एंड 8th टर्म फाइंड आउट करना है जबकि सीरीज गिवन है 5 25 125, ए इज इक्वल टू 5, जीपी में आर हो जाएगा ए टू बाई ए वन, ए टू हो जाएगा 25 बाई ए फाइव, ए वन ए टू हो जाएगा 5 वन जा 5 फाइव जा, आर इज इक्वल टू 5। अब 10th टर्म ए 10 इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ 9 होगा, ए आपके पास 5 है, आर भी 5 है, ऊपर 9, यहाँ पे वन डाल के बेसिस आर इक्वल पावर शुड भी एडिट करेंगे 5 पावर ऑफ 10। और nth टर्म लेना है तो ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ एन माइनस 1, ए आपके पास 5 है, आर 5 है, ऊपर एन माइनस 1, इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए विच टर्म ऑफ द एपी, एपी में कौन सा टर्म होगा आपको फाइंड आउट करना है, 2832 इज 512 दे रखा है, इसका कोई भी टाइप का इस तरह क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहां पर आपको दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 512, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए वन ए टू हो जाएगा, 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा ये 4, यहां तक आपको आ गया। अब फार्मूला आपके पास विच टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ एन माइनस 1, एन फाइंड आउट करना है आपको, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए एन आपके पास है 512 इज इक्वल टू ए आपके पास है 2, और उसी तरह यहाँ पर डी, सॉरी ये डी नहीं आर होगा, आर इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन, आर इज इक्वल टू 8 बाई 2, 2 वन जा 2 फोर जा, आर इज इक्वल टू लेना पड़ेगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा एन माइनस 1, ये तो आपको फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट आपको करना है क्योंकि कौन से टर्म पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ए 4 पावर ऑफ एन माइनस 1 इज इक्वल टू
ए 512 ऊपर लिखकर ए 2 नीचे ला लेंगे, 2 1 2 2 2 2 5 2 6 4 पावर ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 256। 256 का एलसीएम आपको निकालना है 4 से, 4 1 4 6 24 4 4 फिर यहाँ पे 4 1 4 6 4 4 4 1 यहाँ पर आ गया 4 पावर ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 पावर ऑफ 4, ये दोनों कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 इस तरफ ला दीजिए प्लस 1, n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 162 54 18 और 2a/81 2/27 2/9 हैव देयर nth टर्म इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n मालूम करना है। दो क्वेश्चन है आपके पास, दोनों क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को भी आप लेना है यहां पर। चलिए इसको हम लिखेंगे यहां पर, पहले वाला 162 54 18 ए गिवेन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 162, ठीक है, और r इज इक्वल टू a2 by a1 हो जाएगा, ये 54 बाई नीचे 162। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 4 2 7 14 2 8 21 27 1 27 3 r इज इक्वल टू आ गया 1/3, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप a n इज इक्वल टू ए आर पावर ऑफ n माइनस 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू है 162, r की वैल्यू 1/3, ये n माइनस 1, इसको नंबर 1 दे देंगे। उसी तरह सेकंड वाला आपके पास है 2/81 2/27 और 2/9, ये a1 a2 a इज इक्वल टू 2/81 r इज इक्वल टू a2 by a1 a2 2/27 है, इसको उल्टा कर देंगे 81/2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 27 1 27 3 r इज इक्वल टू 3। इसके अंदर an इज इक्वल टू ar पावर ऑफ n माइनस 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास है 2/81 इंटू आर की वैल्यू है आपके पास 3 पावर ऑफ n माइनस 1, ये नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेट 1 और 2, इक्वेट 1 इज इक्वल टू 2, फर्स्ट वाला है 162 × 1/3 पावर ऑफ n माइनस 1, सेकेंड वाला है 2/81 × 3 पावर ऑफ n माइनस 1। अब आप क्या कीजिए, n वालों को एक जगह कीजिए, अब जैसे यहाँ पे 1/3 पावर ऑफ n माइनस 1 है इंटू, ये इधर आ जाएगा तो ये 1/3 पावर ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा, ये 2/81 है इंटू, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये 1/162 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 1 2 2 8 2 1, ये बेसिस आर इक्वल है, पावर शुड बी एडिड करेंगे, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/81 × 81 बच गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को यहाँ पर आप ले सकते हैं, 1/3 × n और n 2n 1 और 1 2 इज इक्वल टू, इसको आप 81 का ये दोनों को अगर एलसीएम निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 81 का एलसीएम 3 27 3 9 3 3 3 1 1 2 3 4, इसका 4 है 3 पावर ऑफ 4 × इसको भी 3 पावर ऑफ 4 ऐसे लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर 1/3 पावर ऑफ 2n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1/3 पावर ऑफ ये 4 आप इस तरह लिख सकते हो, और 4 बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड, 3 पावर ऑफ 8 आप लिख सकते हो, ये बेसिस आर इक्वल पावर शुड बी एडेड, 4 + 4 हो जाएंगे, ये दोनों आप कैंसिल यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2n माइनस 2, ये 2 है, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 2n इज इक्वल टू 8 इस तरफ ला लीजिए प्लस 2, 2n इज इक्वल टू ऐड कीजिए 10, n इज इक्वल टू 10/2, 2 1 2 2 5 10, n इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो जाए, इस तरह आप सॉल्व करना है।